अगर मुंबई शहर की टेलीफोन डायरेक्टरी खोली जाए तो आपको 59,40,369 राहुल मिलेंगे, लेकिन सोनू निगम को अरे नहीं, टेलीफोन निगम को पता नहीं कि 2 साल पहले एक और राहुल इस शहर में आया था और आज वही राहुल अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहा है। क्या हुआ? फीट आगे नहीं जी, 1500 स्क्वायर फीट से अपने फीट भी आगे। वजह पता कौन? राहुल का अपना फ्रेंड फिलोसफर गार्ड करण करू पांडे। अबे धक्का क्या मार रहा है, जरा इज्जत से समझा ना, मालूम है तेरा भाड़ा बाकी है। अरे दोनों की मुलाकात फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में हुई थी, जहाँ से दोनों फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए। करण अपने समर कलेक्शन को नेकेड ट्रूथ का नाम देकर सभी मॉडल्स को चड्डी में रैंप पे भेज दिया। इस कॉलेज से तुम दोनों को निकाला जाता है। ओके मैम, प्लीज मैम। मैडम वो बाकी की फीस रिफंड। गेट आउट। तू तो बोला नया घर भाड़े पे लेंगे, ये तो अपनी ही बिल्डिंग है। हाँ पहले हम आगे से जाते थे, अब हम पीछे से चढ़ेंगे। एक कमाल का टैलेंटेड डिजाइनर होने के बावजूद राहुल आज तक तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। हाँ लेकिन जहाँ तक चढ़ने का सवाल है, करण सबके ऊपर। साला कहने के सब सामान को कफन उड़ा के रख दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यार, हम उसी घर में वापस आ गए। और इस बार भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। तो पहले कब देते थे? नौकरी के मामले में दोनों बड़े लगती हैं। अरे भाई जवान लड़कों को अगर जवान लड़कियों को कपड़े पहनाने का काम मिले तो कम तनख्वाह की शिकायत कौन करेगा भाई है? और वैसे भी दोनों की जिंदगी कैश से नहीं, क्रेडिट कार्ड से भी नहीं, क्रेडिट पे चलती है। तेले पे तो मेरे को 2 कौली का बल होता नहीं है। इतकी तकल देख के मैं तुम लोग को दे लाऊं दोनों तूत तूत सूट सूट। पहली बार मैं भी कुछ और ही समझा था यार। हाँ हाँ लौटा देंगे तेरा सूट। वही तो बोला। क्या क्या कूल है हम। आप ये मत पूछिए कि ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हैं भाई, ये लोग जा रहे हैं बहुत जरूरी मिशन पर। ए तू चलाएगा ना? भूख लगी है यार। आज ना किसी की शादी है, ना किसी का नामकरण, ना किसी का श्राद्ध, ना किसी का जन्मदिन। खाना कहाँ खाएंगे यार? खाना खाना खाना, हमेशा खाने की बात करता है। अभी ये सोच के पीने का क्या करेंगे यार? तू पीने की बात मत करा, तुझे तो पता है। इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये स्कूल की पार्टी। ऐसा स्कूल जहाँ दोनों कभी गए नहीं और ऐसी पार्टी जहाँ इन्हें बुलाया नहीं। देखो भाई ले बराबर पार्क कर साइकिल, हवा भी चेक करना। कबाब इसलिए मैं से ताज और ओवरऑल लेके नहीं जाता। ए, तू लगा रहा। हाँ, मैं आता हूँ। डिनर में क्या है? बहुत कुछ है, हर 5 मिनट में यही आते रहना। आपका नाम? गुड्डू। गुड्डू तू मिलता ही नहीं है। तू कहाँ मिलता है? गुड्डू ये वही जूलियन है जो स्कूल में कैरम बोर्ड हुआ करती थी और अब देख राय का पहाड़ बन गया यार। अरे यार ये हुआ कैसे? 2 साल तक सिलिकॉन वैली में काम कर रही। अरे अंजलि सुना तुमने? संजू माइट बी कमिंग टुनाइट, वो भी अमेरिका से। क्या? संजू जिसके नाम से पूरे स्कूल का दिल धड़कता था। तू मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, उसे देखे तो सालों हो गए। मुझे भी 12 साल से वो अमेरिका में है ना। संजू फ्रॉम अमेरिका? कोई बहुत ही पहुंचा और प्लेबॉय लगता है। ओहो, और हाँ संजू आए ना उससे हमें पार्टी लेनी चाहिए। खुशी में तुझे पता नहीं इस साल अपनी संजना मिस अमेरिका बनी है। ओ रियली? फिर तो पार्टी लेनी ही चाहिए। दोस्त दोस्त ए ए एक एक अरे यार कम ऑन कबाब तू नहीं हट। एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरी नैना को कहीं देखा है? नैना को छोड़ तुमने उस लड़के को देखा है? आप नहीं सुधरेंगे सर, कम से कम इस उम्र में तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए। गुड फॉर नथिंग। सबका नाम लिख लिया? वो लड़का कौन है चेक करो। ओके ओके ओके। हेलो प्रोफेसर मिस्ट्री। हाय। पहचाना? वाओ। प्रिया मेहता। रोल नंबर 69। Oh, lovely, brilliant. आपको तो मेरा रोल नंबर भी याद है. 69 हो तो कोई कैसे भूल सकता है? Because of you, Professor Mystery, we all love chemistry. Thank you so much, my dear. Go and enjoy yourself. You too, Professor. Bye bye. Bye bye. Hello, my boy. How are you? Hello, Professor Mystery. आपकी chemistry class तो मैं भी नहीं भूला सर. Thank you so much. आज भी मेरी काम वाली भाई जब कमोड में फिनाइल डालती है ना. कमोड में फिनाइल? तो मुझे आप ही की याद आती है. मगर तुम. और आपका वो हमें पढ़ाने का अनोखा ढंग. कह दो ना ये है अमोनिया. माइंड ब्लोइंग. टू गुड सर. नाम बोल. मगर ये गाना तो मैंने हाल ही में. वो तो मेरे मालूम. नाम बता नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा. संजू. ओह माय गॉड. तुम संजू अमेरिका से कब आया यार? संजू 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 यार. ये संजू कौन है? कोई बहुत ही पहुंचा हुआ प्लेबॉय है यार. प्लेबॉय? तो मेरी शक्ल उसे कैसे मिलेगी? अबे सब लोग 12 साल बाद मिल रहे हैं. जस्ट चिल. लेडीज एंड जेंटलमैन, जेसिका, पूजा, शिल्पा, देखो कौन आया है. संजू फ्रॉम अमेरिका. चल तुझे औरों से मिला. ये संजू तो एक लड़की हुआ करती थी. It's time to rock the house, guys. So let's spike up the night with the Spiker Youth culture. Everyone get on the floor. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, हमने बड़ा है दम. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, हमने बड़ा है दम. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या 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 कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या 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 कूल है हम, हमें बड़ा है दम. चाहत की ठंडी हवाएं अपनी गली से ही आए. आशिक दीवाना आवारा कहके सभी ने पुकारा. बहकी नजर, बहके कदम, हम पे करो कुछ तो करम. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, हमने बड़ा है दम. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या 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 कूल है हम. लड़की है मेरे पीछे, मैं क्या करूं, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम. खुल्लम खुल्ला मिलना चाहे, चोरी चुपके मिलना चाहे, मैं क्या करूं, क्या कूल है हम. हर लड़की का मैं हूं डिजायर, लड़की बोले I'm on fire, होना ही था, क्या कूल है हम. लव के सारे गुन हमें बता दो. लड़कियां फंसाने के तरीके भी सिखा दो. आएंगे वो दिन भी प्यारे, ए ओ बदलेंगे तेरे सितारे. हमने गुरु तुमको माना, हमको भी मंजिल दिखाना. हम इश्क में खोए हुए, हमको नहीं दुनिया का गम. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, हमने बड़ा है दम. क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या 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 कूल है हम. ऐसा कोई भी कहाँ है। संजू एक्सचेंज विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कैसा होगा? तेरा मेरा मेरा तेरा चर्चा यहाँ है। चैन करके यूं ना जा, मेरा भी नंबर लगा दे, सोया नसीबा जगा दे। मेरी तरह तुम भी बनो, कहना मानो, छोड़ो शर्म। क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, हमने बड़ा दम। क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या 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 कूल है हम, हमने बड़ा है दम। क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम। सर, आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है सर। हाँ हवलदार। लेकिन मैंने तो हवलदार को बुलाया था सर। मैं हवलदार ही हूँ। अरे तो फिर इंस्पेक्टर की वर्दी क्यों पहन रखी है? सर मैं इंस्पेक्टर ही हूँ। तुम इंस्पेक्टर भी हो हवलदार भी हो, दो दो पोस्ट एक साथ। मतलब सर मैं इंस्पेक्टर ही हूँ लेकिन मेरा सरनेम हवलदार है। आई एम हवलदार, मतलब आई एम इंस्पेक्टर, नाम हवलदार। तुम्हारा केस तो इस केस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इडियट। सर 2 महीनों में ये 5वीं वारदात है जहाँ एक औरत पर बलात्कार करके उसका खून कर दिया जाता है। इस मामले में पुलिस क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? हिला रहा हूँ। मेरा मतलब है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिला रहा हूँ। अगर पुलिस ये केस नहीं सॉल्व कर सकी तो हम किसी एक्सपर्ट की मदद लेंगे। एक्सपर्ट? कैसा एक्सपर्ट? जिसे रेप और मर्डर का एक्सपीरियंस हो जी? यानी कि जिसने ऐसे केस सॉल्व किए हो। लेकिन सर इन हत्याओं के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? टाइम पास। क्या टाइम पास? जब रेप हो रहे हैं तो मोटिव साफ है, सेक्स। मगर सर सेक्स तो वो अपने पैसों से भी खरीद सकता है। हर कोई आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता मैडम। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है? वो इसलिए कि इस बार भी डेड बॉडी के पास एक लाल गुलाब मिला है और हमेशा की तरह बॉडी का एक पार्ट मिसिंग है। इस बार कौन सा पार्ट मिसिंग है सर? देखिए इस बार वो देखिए वो मैं टीवी पर फैमिली ऑडियंस के सामने नहीं बता सकता। तो फिर आपके हिसाब से और वो कौन हो सकता है? देखिए देखने में वो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक मामूली सा साधारण आदमी है, मगर उस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक वहशी खूनी दरिंदा। साहब आपको खामखा किसी ने भड़काया है। इस घर में कोई भूत वूत नहीं है। वो तो क्या है कि मार्केट से कम दाम में इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। ओह मकान मालिक, लगता है फिर से गायब होना पड़ेगा। आइए देखिए फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी और हवा, और व्यू तो एकदम फ्री में है। अच्छा। अब आप एक काम कीजिए, भाभी जी को लाइए और रहना शुरू कर दीजिए। क्यों दूसरी नहीं चलेगी? दूसरी चलेगी चलेगी, ऐसी क्या बात है। एक मिनट, हेलो। हाँ, एक मिनट। हेलो डार्लिंग, अब ये काम से आया था इसीलिए फोन नहीं कर पाया। कौन है आप? नाम नहीं रखा है क्यों? पुनर्जन्म नहीं हुआ है, शरीर ढूंढ रहा हूँ। मुझे ढूंढ रहे थे। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम्हारे फोन में भी। फोन में क्यों? इनकमिंग फ्री है ना? कहाँ गया? अब तुम्हें मुझे अपना शरीर देना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तिहु लोभु सागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो भूत हनुमान चालीसा बोल रहा है। भूत भूत है, है, भूत भूत भूत। कितनी गलत फहमियाँ होती है इंसानों में। अबे कहा ना, वो दोनों यहाँ नहीं रहते, चल निकल यहाँ से। अरे क्या बात कर लो, आपके तमिल में क्यों नहीं आता? मैं जब तो आपको थमदा ला, उन दोनों ने मेरे को इधर कैद ले दिया, बोला इधर आके वो तूत लेके जाना। अरे मैंने उनको भाले पे दिया, मेरा लौंडी का धंधा है बाबा। अबे अश्लील बातें करता है गंदा आदमी। याद रखना, मैंने भले भले आदमी को तूत सप्लाई किया, मालूम है? जाना जाता नहीं। भूत 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 भूत। अरे यार ये क्या हो रहा है? कोई भूत भूत कह के भाग रहा है। अरे वो हाथी जैसे मोटू ने कितनी जोर से मारा। अरे यार पीछे पोपट, आगे मकान मालिक। जाओ कैसे? सातवां ग्राहक पकड़ के लाया था, लेकिन वो भी ऐसे भाग गया जैसे भूत देखा हो। भूत? क्या हुआ? तुम क्यों चौंक गए? क्या तुमने भी भूत देखा है? हाँ साहब, 3 बार। 3 बार? हाँ। कहाँ? सीढ़ी पे। बिल्डिंग की सीढ़ी पे? नहीं साहब, पायरेटेड सीढ़ी पे। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली भूतों की बात कर रहा हूँ। वो करण और राहुल, वो दोनों कहीं छिप छिप के तो यहाँ नहीं आते हैं। कैसी बातें करते हैं साहब? 5 फीट 10 इंच का आदमी यहाँ से जाएगा और मुझे दिखेगा नहीं? मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। सच्ची? यस। कौन? हेलो, बचपन से ही ऐसे हो, यू नो आई मीन। Have a nice day, huh? Bye bye. Bye bye. Bye. जरा संभाल के बच्चा। बिचारो। चौफली, God is so unfair. अब बेचारे को सारी उम्र अकेला ही रहना पड़ेगा। नहीं डार्लिंग, खुदा जी सबके लिए एक जोड़ीदार बनाता है। देखो नहीं, तुमको हमारे लिए बनाया नहीं। इसलिए हम बोलता है कि God is so unfair. घर चलो। या तो इधर ला। दुनिया से तो भाग सकते हो, अपने आप से कब तक भागोगे हैं? बाबा, मेरा हाथ देखकर बताइए ना, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? हाथ देखने की जरूरत नहीं है बेटा, चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। शनि तुमसे नाराज है। शनिदेव, 1000 रुपए दो। बाहर गाँव जाकर पूजा करवा के आता हूँ। 1000 तो मेरे पास नहीं है। 800 रुपए है, वो भी नहीं है। 500, 200, 100 तो होंगे। फिर कितने हैं? हाँ? कुल मिलाकर 12.5 रुपए। तब तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, शनि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ खाली करो। अरे ये तो इमोशनल हो गया। सुनो। हाँ? दिल के नेक लगते हो, इसीलिए एक बात बताता हूँ, सुन के जाओ। बोलिए। एक लड़की आएगी तेरी जिंदगी में। लड़की? और वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी, ऐसी लड़की जिसके दिल पर तिल होगा। दिल पर तिल? हाँ, उस लड़की के आने से तेरी किस्मत बदल जाएगी, शोहरत तेरे कदम चूमेगी, पूरी दुनिया तेरे पीछे होगी और तू आगे। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, जा ढूंढ। क्या देखते हैं? दो क्या खंजा पाने? सॉरी। करण, अरे ये क्या हुआ? ये वो कल रात वो मोसरीस वाली के साथ गया था ना, एक्सीडेंट, गाड़ी ठोक दी तो ना। यू नीड टू ग्रो अप। तू जानता नहीं है, some women like it wild, wild, yes, और वो भी 5 स्टार होटल में। फिर उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। इसने ना अपना नाम नसरुद्दीन शाह बताकर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो गाड़ी चोरी की है। माय लॉर्ड, आई शपथ चोरी हिनीच केले, मी काहीच केले नाही। बस आगे फिर हम लोग उसके कमरे में गए, डीलक्स स्वीट तैयार, और धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतारने लगा। लकी मैन। उसके बाद उसने मेरे हाथ बांध दिए। देखिए साहब, हाथ नहीं उठाने का। क्या उठाने का? क्यों नहीं उठाने का? तेरी उंगली में जादू है ना? है नहीं था। चुप क्यों हो गया? आगे बताना। फिर उसने मेरा बेल्ट निकाला। कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये कितनी देर तक चला? पहले 10 मिनट तो मैं होश में था, बाद में पता नहीं। वहां से निकला तो चलने के लायक नहीं था। फिर यहाँ कैसे आया? अबे वो छोड़ गई ना अपने मर्सिडीज में। वन वाइल्ड नाइट। हाँ यार, आजकल लड़कियों को यही पसंद है। रात कई बात कही है, लेकिन वो ऐसी नहीं होगी। वो कौन? वो जो मेरी किस्मत बदल देगी। अबे कौन तेरी किस्मत बदल देगी? वो लड़की जिसके दिल पर तिल होगा। हाँ यार, आज एक जोशी ने मुझसे कहा कि एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आकर मेरी किस्मत बदल देगी। तू एक काम कर, तू पहले एक लड़की ढूंढ और फिर उसके दिल पर एक तिल लगा, क्योंकि दिल पर तिल ढूंढने के चक्कर में तू भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। मुझे यकीन है मेरी किस्मत बदलने वाली जरूर आएगी। यस, ऐसे करेगा तो मरवाएगा यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लिसन, अगर आज के बाद मेरे लिए किसी किरण का फोन आए, किरण, तो कह देना कि मैं नहीं हूँ। यस सर। कह देना कि मैं था ही नहीं। ओके। इनफैक्ट कुछ भी कह दो, कह दो कि मैं मर गया। आई एम डेड। से आई एम डेड। डेड सर। यस सर। Designs completed, sir. So where? I'll just bring it. Just bring it. Hey, beauty spot क्या है? ये मसाज समाज सेवा सर। सुबह सुबह इलेक्शन लड़ रहे हो क्या? हाँ ना। समाज सेवा। अबे हट तेरा। That's good news. निकलना कब है मुझे? Oh, आज रात को। Wonderful. Okay, send me the tickets. और हाँ याद रहे लिखना DK Bose, नहीं तो एयरपोर्ट पे बस डीके अनाउंस हो जाएगा। That's not very nice. Yes. Hello. Sir, designs. पूरी रात मेहनत करके बनाए हैं सर। कैसे हैं? Very very nice. तो सर इस बार इन डिजाइन्स पर मेरा नाम आएगा ना? विलियम शेक्सपियर ने कहा है, What's there in a name? हाँ सर, मगर इस सेंटेंस के नीचे उन्होंने अपना ही नाम लिखा था। क्योंकि वो विलियम शेक्सपियर था माय बॉय, उसके नाम में एक वसंत था। करेक्ट सर। वो समर कलेक्शंस की डिजाइन्स जो है वो we'll look into that later. तुम दोनों ने आज शाम की पार्टी की सारे अरेंजमेंट्स कर दिए है ना? यस सर। हाँ सर, डोंट वरी, लीव इट टू अस। देखो आज शाम का जो शो है, MTV स्टाइल नाइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर मी, सो आई डोंट वांट इट मेस्ड अप। And after that, I'm going directly to America. और हाँ, तुम लोगों के पास कुछ अच्छे कपड़े पड़े हैं ना? Suits. Yes sir. हाँ सर है। Suits. वो पिछली टाइम की तरह मेरे स्टोर से मत लेना। As if I didn't know. 1015 सूट। किसको? अरे बड़े बड़े स्टार्स जैसे ये अदल के तुझे कल वापस दे देना। हाँ। इतने पहले तो दो लिए ना, वो भी इतने तक वापस दे देना। अरे लेकिन कल तो तू खुद कहाँ मिलेगा? क्या मतलब? And that brings us to the stupendous closure of the MTV Style Night. But folks, you don't have to leave yet, as MTV will bring to you the much-awaited grand finale. And guess who's here to steal your hearts and sweep you off your feet? Performing for the very first time for you at the MTV Style Night, please welcome the Indian heartthrobs all the way from the UK. Jay Sean, Rishi Rich, Juggy D and Veronica. MTV, enjoy. Thanks, DK. Thank you, sweetie. Bye. अय्याशी बंद करो। तुमको मालूम है ना, I told you मैं एक महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। Yes sir. हाँ, okay. What did I just say? यहाँ का सारा सामान पैक करो और उसको स्टोर में भिजवा दो। Carefully. For sure sir. And where's your partner in crime? Sir, वो मसाज सेवा, मसाज सेवा। वहाँ पर? हाँ यार। तिल पर तिल है ना? तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? अरे नहीं 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 यार। अब जार पटा, रात को शादी और फिर टीके के फ्लैट में हनीमून। टीके के फ्लैट की चाबी? या अब एक महीने तक अय्याशी उधर। हाँ। अब बार बार लड़कियों के पैसे से 5 स्टार होटल जाना अच्छा लगता है क्या? हाँ जा। हाँ हाँ हाँ, मगर करूँगा क्या यार? शिट। सिंपल, एक गुलाब ले। हाँ। और लड़की को देख के स्माइल कर। हाँ। थोड़ा कम। हाँ। और अगर जवाब में लड़की ने स्माइल किया तो आँख मार। हाँ। एक आँख। यस। और अगर वो उठ के चली गई, इसका मतलब वो तुझे बुला रही है। जाकर प्रपोज कर। हाँ, इट्स वर्किंग। थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है यार, मगर किस्मत को अपडेट करने के लिए करना तो पड़ेगा ही। तुझे बुला रही है। हाँ, हाँ, बट गई यार, अकेले में बुलाया। चलो मैं दिल भी चेक कर लेता हूँ। Yes. हाँ। अरे हाथ हटा। देखिए दिल 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 दिल। हेल्प हेल्प। अरे क्या हुआ मैडम? अब चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? बात क्या बताइए। एक यंग मैन आया, एक रेड रोज लेकर मेरे। उधर देखिए आप मेरे। समझ गए? हाँ। I hope it was not that serial killer जो आजकल लड़कियों का बलात्कार करके उनका खून कर देता है। Serial killer। I'm a fool। एडवाइस मिली तो किससे? बाल बाल बच गया। पता नहीं वो औरत मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तुम देखिए, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आपके पास है कि नहीं, इसलिए मैं वो इधर नहीं उधर जाओ। जाओ बाबा जाओ। मैडम मैडम काबू नहीं कर पा रहा हूं मैडम। कंट्रोल मी मैडम मेरी पैन मैडम पकड़िए मुझे माफ कीजिए। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं मैडम। हां करेंगे करेंगे, यही तो हमारा काम है। क्या बात है, क्या हुआ? अरे एक तो रेपिस्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से कोई पोपट नाम का सप्लायर है जो बड़े बड़े लोगों को फोन करके लाउंडिया सप्लाई करने की बात कर रहा है। ओए जरा पता करो। जी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे हांगकांग कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं, आई वाज रॉकिंग। ये चाइनीज की गाड़ी नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं कंप्लेंट लिखाने आई हूँ। नहीं ओह कंप्लेंट, बोलो बोलो। मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की गई है। नी आप पर? हाँ श्योर? Of course I am sure, चटिया। तुम्हें यकीन है कि ये वही है? हाँ सर, ये औरत बता रही है। उसके हाथ में भी एक लाल गुलाब था जो हर लाश के पास पाया जाता है, और बदन का हिस्सा काटने के लिए मशीन भी थी। आई एम श्योर सर, ये वही हत्यारा है। अब तो सर हुलिया मिलते ही फोटो बाहर और ये अंदर। लोक इंस्पेक्टर, मैं इस केस में कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए जैसा मैंने कहा था मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहा हूँ। एक्सपर्ट को? हाँ, डॉक्टर स्क्रूवाला। डॉक्टर स्क्रूवाला वैसे तो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, मगर क्रिमिनल साइकोलॉजी में इनकी मास्टरी है। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाते थे। दुनिया के बड़े बड़े सीरियल किलर्स को पकड़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हाल ही में वो स्कॉटलैंड यार्ड की मदद करके लौटे हैं और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर इस केस को सुलझाने में वो हमारी मदद करेंगे। और हाँ, उन्हें उनके तरीके से काम करने देना, क्योंकि ऐसे केसेस सुलझाने में उनकी अपनी एक थ्योरी है। डॉक्टर स्क्रूवाला, आप कुछ भूले तो नहीं? पर्स। तुम पर्स नहीं, पूरी की पूरी पैंट भूल आए हो। पर्स कहाँ है? पैंट में। So you see logic. पर्स के साथ पैंट भी आ जाएगी। You see what I practice at home, psychological theory, I practice on my patients also. तुम किसी दिन ये थ्योरी चलाकर मुझे मत भूल जाना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? वो पार्वती। वो कौन है? Oh, joking, Mrs. Screwwala. और सुनो, तुम कोई खतरनाक केस नहीं लोगे, याद है ना? स्कॉटलैंड यार्ड के रेलवे यार्ड में मरते मरते बचे थे और कसम खाई थी कि मैं कोई केस नहीं लूंगा और मुझसे वादा किया था कि सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। I will stick to it. Promise? Promise. ये One sec. Oh, hello. Yes. कमिश्नर साहब, बस मैं 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। Yes. नहीं, आँखें और भी छोटी और डरावनी और बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे, ऐसे खड़े खड़े बिना कोम किए। अरे ना, कैसा नहीं। वेलकम सर। आई एम इंस्पेक्टर हवलदार। एक्चुअली सर मैं वो इंस्पेक्टर हो, नाम हवलदार है। ओह, कमिश्नर साहब सच कह रहे थे, आप वाकई स्पेशल है सर। Myself, Miss Hira Hingorani from Hong Kong. Miss yourself? Miss Hingorani. Choose one. Why? ये है डॉक्टर स्क्रूवाला, मशहूर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कहते हैं वैसा करो। Okay. White. मेरा शक ठीक निकला। She's a victim. आप स्पेशल है सर, लेकिन इस तरह बॉल देकर आपने कैसे पता कर लिया कि वो विक्टिम है? इंस्पेक्टर हवलदार जी, तुमने मेरे थीसिस नहीं पढ़े? The theory of my 3 balls. पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। Now give me the case details. पहला मर्डर कल्याण, फिर कांदीवली, फिर कांजूर मार्ग, फिर कुरला, फिर कालबा देवी and last attempted murder at Khar. Is that right? Absolutely right, sir. Did you see the connection, Inspector? हर शब्द क से शुरू होता है, इसे क शब्द से लगाव है। ओ सर, मिल गया। अरे कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो। सर मेरी नजर में एक मेल सस्पेक्ट है। कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की। सर मेरी नजर में एक फीमेल सस्पेक्ट भी है। सर इसी तरह हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो हमारी एकता जरूर रंग लाएगी। अरे बाबा, ये वो मवाली मिल गया। इसी चेहरे ने मेरे जीवन का चैन छीन लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी फोटो प्रेस में लिस्ट कर दूंगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अगर हम सिर्फ इसे एक औरत की गवाही पर गिरफ्तार करते हैं तो कोई भी काबिल वकील चुटकियों में से बाहर निकाल सकता है और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। आई वांट टू कैच हिम रेड हैंडेड। आज से ऑपरेशन फेल शुरू। ऑपरेशन फेल? फेल क्यों सर? इंस्पेक्टर ये तुम्हें ऑपरेशन की सक्सेस के बाद पता चलेगा। ओ सर, एक पंडित की चाय और एक आप, दोनों स्पेशल। पता करो कि ये कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, क्या पीता है, कहाँ जागता है, कहाँ सोता है और किसके साथ सोता है। एवरीथिंग अबाउट हिम। यस सर। तू जानता है, खास ऐसी फिल्मों के लिए जापान ने एक ऐसा टीवी बनाया है जिसमें से आप पीछे से अंदर जा सकते हो। क्या बात कर रहा है? तो फिर बाहर कैसे आते हैं? अबे जब अंदर ही इतना मजा आ रहा हो तो कोई बाहर क्यों आना चाहेगा? एक्चुअली मुझे भी रोक रहे थे अंदर, लेकिन मैं दिल पे पत्थर रखकर बाहर आया। खास तेरे लिए। थैंक्स। लगता है तुझे वापस बुला रहे हैं। अबे फोन बज रहा है। हेलो। हाय जान, प्लीज फोन मत रखना, मेरी बात सुनो ना। हेलो। अबे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग डीके के घर में रह रहे हैं। देखिए हम यहाँ नहीं रह रहे हैं। देखो डीके, आवाज बदलकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे पता है तुम घर पर हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा? कुछ नहीं। अरे पता नहीं चलना चाहिए ना, इसलिए। हेलो हेलो। ओह माय गॉड। डीके, तुमने मुझसे बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। तुमने किरण का प्यार देखा है, उसका वार नहीं देखा। वैसे फोन पे जो भी लड़की थी डीके से काफी परेशान लग रही थी बेचारी। कहीं वो किरण तो नहीं जिसका उस दिन स्टोर के बाहर डीके से झगड़ा हो रहा था? किरण हो या राज किरण, तू डीके के मामले में दखल देकर हमें और मुसीबत में मत डाल। Not again। मैं तो सिर्फ उसे अपना कंधा दे रहा था यार। कंधा? अगर तूने उसे कंधा दिया ना तो डीके तुझे कंधा दे देगा। और वो अकेला नहीं, तीन और साथ में भी होंगे। और तू क्या करेगा? मैं मटकी लेकर आगे चलूंगा। देख, तू मुझे लेक्चर देना बंद कर और अपनी लव लाइफ सुधार, शादी के बारे में सोच। और तेरी वो तिलवाली बुड्ढी है ना, और बुड्ढी हो रही है। देखो, तू मुझे इस बात के बारे में याद मत दिला। खाना देना ले। पता नहीं कहाँ होगी वो जिसकी मुट्ठी में मेरी किस्मत है। उसको लेके आए। महाराज सारे के सारे गिरे हुए साले। खाएगा पोरगी ये ना वो बोल का भाई। हाँ दीदी, यही है वो। जब मैं बस्ती में से जा रही थी तो मेरे पिछवाड़े चिमटी काटकर किमी काटकर बोला। अच्छा मैडम, मैडम वो क्या है ना मैडम, उसको नींद में चलने की आदत है ना, इसके लिए मैं चिमटी काटकर उसको उठा रहा था। अब जब मेरा डंडा उठेगा ना, ना तो कुछ उठ पाएगा ना कुछ उठा पाएगा। चिमटी काट मिला। अंदर क्या हो रहा है? ये जो अंदर हो रहा है ना वो तो तेरे साथ भी होगा। अरे तू चिंता मत कर रघु, तूने तो खाली पाकिट मारा है ना, बाकी ये इंस्पेक्टर उर्मिला मार तोड़ कर भी बहुत डेंजर हो रहा है भाई। सब खून माफ कर देगी, लेकिन किसी लड़की को छेड़ा या धोखा दिया ना तो समझो वो गया। ये मैडम का फोन उठा। उठा। हेलो जी, मैडम तो बिजी है। कुछ बोलो ना, क्या अर्जेंट है? मैडम आपका फोन। कौन है? सेवा की माँ। क्या वो किरण करके कोई है? मैंने मना किया लेकिन बोलती है कि अर्जेंट है। तो मैडम वो सलिया गरम हो गया। छुआड़े में चिमटी निकालने का बहुत शौक है ना रे तेरे को। सब इंस्पेक्टर उर्मिला माटोरकर बोलते इकड़े। कौन तिकड़े? मैं किरण। काय पाहिजे? इंस्पेक्टर माटोरकर, मैंने सुना है कि आप मेरे जैसे प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की आउट ऑफ द वे जाके मदद करती हैं। 100% सही सुना है तूने। लगता है तेरे को बन किसी ने धोखा दिया है। सलाम साहब। उस हलकट का नाम पता बोल दे, मैं देखती हूँ उसको। डीके, डीके नाम है उसका। 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा था। मैंने शादी की बात की तो साफ मुकर गया और अब तो मेरा फोन तक नहीं ले रहा। तो सीधे उसके घर पहुंच जाने का। जाना था मुझे, पर बात यह है ना कि मेरे मम्मी डैडी हमारी शादी के खिलाफ है। मुझे घर में बंद करके रखा है। अगर टीके ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं रे सोनिया, ऐसा नहीं बोलते। खाली तेरे डीके को ना कोपचे में ले जाके समझाना पड़ेगा। मैडम हाँ, वो सलिया अब तक अंदर ही है। निकाल दे और सुन, अब लोग उठा दे। अब बोल उसका पता नंबर बोल जरा। करू मैं चालू इस्त्री पोपट के सूट पर रखकर भूल गया हूँ, जरा नजर रखना। कहीं किरण तो नहीं? हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर डीके प्लीज? वो तो वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम करीना है, मैंने उनका बहुत नाम सुना है लेकिन मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला। क्या आप प्लीज मिस्टर डीके को फोन देंगे? तो मैं ही मैं डीके बोल रहा हूँ। डीके? ओह वाओ, मैं तो आपके डिजाइन्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी। एक्चुअली इस साल मैं मिस भांडुप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ। भांडुप? और मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े आप ही डिजाइन करें। करेंगे ना? हाँ जरूर करूँगा, मैं तो करने के लिए बनाया गया हूँ। वैसे कंपटीशन जीतने के लिए कपड़ों की क्या जरूरत है? वही तो, लेकिन फॉर्म पर लिखा है कि कपड़े कंपल्सरी हैं। हाँ आजकल काफी स्ट्रिक्ट हो गए। तो ठीक है, मैं अपना नाप देने के लिए आपके पास अभी आ जाती हूँ, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। नेकी और पूछ पूछ जल्दी आके दे दीजिए ना। I'll be waiting for you. Okay then, see you soon. Am I cool or am I cool? तो तू डीके बन गया है? Yeah, you know how it is. मगर ये डीके है कौन? है कुछ रहा। एक बेचारी को अपने प्यार में फंसा के अब धोखा दे रहा है। मगर अब मैं देखती हूँ वो नालायक कैसे नहीं सुधरता। देख तू मेरी बात मान, अगर उस लड़की को पता चल गया तो? अबे कैसे पता चलेगा यार, उसने डीके को देखा तक नहीं है। अब उसके लिए मैं डीके हूँ, समझा कर यार। तवा गरम है इसलिए कह रहा हूँ, जरा संभल कर खेल वरना हाथ जल जाएगा। मैंने तुझे नजर रखने को कहा था ना। सॉरी। अब इसे और पोपट दोनों को तू ही संभाल। बाय बाय टू बोल। ठीक है अब ठीक है। गजेला लोग मेरे को कहता बना, जूता जूता नंबर से कपड़े से मार खिलाया, उतने नहीं छोड़े, उतने नहीं छोड़े, गजेला। हाँ, ओ, हाँ, 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 excuse me? हाँ? Your keys. लड़की आएगी तेरी जिंदगी में जिसके दिल पर तिल होगा। So scandalous. जा साहब को बुला। ओके अब साहब तो मैं हूँ। तू डीके? कोई शक? करीना? शाहिद आई मीन डीके, आइए ना प्लीज कम इन प्लीज। मैं हूँ ना, मैं हूँ बेबी। नहीं 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 डरो। इसका मतलब हमारी एक लेडी ऑफिसर जैसे ही उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भाई प्लान तो अच्छा है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए आपको 20 से 30 साल के बीच की ऑफिसर क्यों चाहिए? गुड क्वेश्चन मिस्टर कमिश्नर, बट यू वोंट अंडरस्टैंड। मुझे उसके अंदर कुछ संभावनाएं पैदा करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से वो बलात्कार करने की कोशिश करे, और ये खास किस्म की भावनाएं तभी पैदा हो सकती हैं जब वो लड़की 20 या 30 साल के अंदर हो, और वो खूबसूरत होनी चाहिए, एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड सेक्सी। लेकिन ऐसी भावनाएं तो किसी बड़ी उम्र की औरत को देख के भी पैदा हो सकती है डॉक्टर स्क्रूवाला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं उस हत्यारे की बात कर रहा हूँ। ओह सर, यस सर, जैसे कि आपने कहा पुलिस डिपार्टमेंट से चुन चुन कर 4 खूबसूरत लेडी ऑफिसर को मिलाया हूं। गुड, सारी 20 से 30 साल के उम्र के बीच की है ना? हाँ। लगती तो है। आइए सर, यह है इंस्पेक्टर फुले। फुले? हाँ। यह है कांस्टेबल मासूम कुमारी। हेलो। आइए, यह है इंस्पेक्टर रूपमती। कौन? रूपमती। हेलो। आइए, और यह है इंस्पेक्टर कमसिन गुप्ता। सर, ये सब पुलिस में? जी हाँ। आप सब जा सकती हैं। जाओ। और कोई नहीं है क्या? और है, आती होगी, लेकिन बहुत गर्म दिमाग की है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसे अब तक 56 के नाम से जाना जाता है। 57 में मरा था तेरा ये डीके, जिसको मैंने ठीक किया है। अब वो कुछ और उठाए ना उठाए, तेरा फोन जरूर उठाएगा। हाँ? वो के किरण। ये कौन है सर? ये है उर्मिला मारतोड़कर। उर्मिला मारतोड़कर चलेगी? थोड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, बट चलेगी। चलेगी। कमिश्नर साहब, अगर मैं पहनूंगी कपड़े कम और बोलूंगी वेलकम, तो वो रेपिस्ट तो क्या, कोई आम आदमी भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। क्यों डॉक्टर स्क्रूवाला? नॉर्मल बात है ना? नॉर्मल? ये आदमी आपको नॉर्मल लगता है? लाइट्स ऑफ। देखिए, घड़ी पर नजर पड़ती अचानक उसे कुछ याद आता है, और ये अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं सही वक्त पर पहुंचना चाहता है, पर कहां? ये रहा उसका जवाब। ये जानता है कि एक लड़की यहां पर इसी वक्त रोज बैल्कनी में आती है। He has a timing for his perversion. देखिए देखिए, Is this normal? आगे देखिए, इस लड़की को इस पोज में देखकर कोई भी आदमी एक्साइट हो सकता है, सिवाय कमिश्नर साहब के। राइट सर। इस आदमी का दिमाग अश्लीलता की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका है। जब हवस की आग बढ़ती है तो देखिए क्या करता है। वो इसकी ओर बढ़ता है, लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी है, बच जाती है, और वो हवस की आग बुझाने के लिए देखिए क्या करता है। देखिए, जब दिन दहाड़े ये सब कुछ कर सकता है, तो रात के अंधेरे में क्या करता होगा। यही नहीं, इसका खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये बिल्ली के साथ खेल रहा है, लेकिन नहीं, इसका खेल कुछ अलग है। Is this normal, Miss मारतोड़कर? कुतरी चाप! तेरी बंदूक तो आजकल रोज फायर कर रही है यार। उस दिन वो मर्सिडीज वाली, और आज ये। ज्यादा मजाक किसके साथ आया? इस वाले के साथ। डिटेल सुनेगा? ऑफ कोर्स यार। हाँ, पता ना, वो बेडरूम में आई। वेलकम टू माई बेड। हाउस इट? मस्त मस्त है ना? मुझे पता था। बेडरूम में? वाओ। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके छूने से तो जैसे मेरी दुनिया ही गोल घूम गई। फिर क्या हुआ? टांगे? तो तुम लोग टांगे में गए? अबे ये टांगा नहीं, उसकी टांगे इतनी खूबसूरत थी कि देखते मैंने उसे कस के पकड़ लिया। फिर वो अपने रेशमी बाल मेरे पास लाई। हाँ। बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर बिखराए। फिर बिखराए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इंस्पेक्टर और मेरा मास्टर को चूना लगाता है, का बैठा मारू। आगे क्या हुआ? फिर वो मुझे बाथरूम में लेके गई और बाथटब में हम तीन हाँ? मैं हाँ? वो प्लम्बर हाँ। पानी पानी यस पानी। फिर क्या हुआ? पानी में हम दोनों लेटे रहे हाँ। और मानो मेरे बदन में से हाँ। करंट दौड़ने लगा हाँ। हाँ, 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 फोन बज रहा है ए? फोन। हेलो ठीक है किरण यहाँ, प्लीज देखो फोन मत रखना। हाँ किरण जी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन सच ये है कि मैं डीके नहीं हूँ। क्या तुम डीके नहीं हो? हाँ। तो डीके कहाँ है? डीके अब वो कुत्ता कमीना आपको धोखा देके अमेरिका चला गया। डीके मुझे धोखा देके अमेरिका चला गया हाँ। भूल गया वो जूह वाले बंगले की रातें। जूह का बंगला, मेरी मर्सिडीज की पिछली सीट पर किए हुए वादे, मर्सिडीज सब भूल गया। किरण जी अगर मैं डीके की जगह होता ना तो मैं आपको कभी नहीं रुलाता, आपका साथ में कभी नहीं छोड़ता। सच? काश मेरे जैसा कोई आपकी जिंदगी में होता, काश। लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। जब से तुम्हें देखा है किरण, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मेरे पैसों के पीछे नहीं हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ किरण। हाउ रोमांटिक, हमेशा मेरे पीछे ही रहना और तुम हमेशा मेरे आगे ही रहना। हाउ स्वीट। आई लव यू किरण। I love you too, जानू। जानू, मेरी जान। I love you, I love you, I love you। अरे सुन हेल्प कर यार। आज से हमने मजदूरी करना बंद कर दिया है। मतलब? लाइफ बन गई यार। तू कहता था ना कि ब्लाइंड में मत खेल, आज ब्लाइंड में जैकपॉट लग गया। गाड़ी बंगला फ्लैट किरण सब एक साथ। कैसे? मैंने किरण को सेट कर लिया। बॉस की किरण? बॉस की थी, अब वो मेरी है। कल किसी और की होगी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। रात गई बात गई, याद है ना? तू निकल, मजदूरी कर। अच्छा बाद में बोलना मत हाँ, समझाया नहीं मैंने, बोलने नहीं। अरे अरे देखो, पहले बिहार को मुंबई बनाना है और फिर मुंबई में नाला सुपारा और भाईंदर को मालाबार हिल बनाना है। मुश्किल है मगर ट्राई करो। मैंने आपको पहचाना नहीं। सलिया डालू क्या? सलिया। रुको रुको, इसने तुम्हें पहचाना नहीं मतलब इट्स वर्किंग। बस एक चीज बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी भाषा। एक बार नई नौकरी मिल जाए तो डीके से तो छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ? ओ गॉड, मकान मालिक, इससे छुटकारा कब मिलेगा? भगवान करे आज बिक जाए। आइए मैडम, आइए, ये देखिए, आइए, मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाता हूँ। मेरे को अकेले में देखने का है? अकेले में देखना है? क्यों? मेरे को इधर अकेले रहने का है ना। ओह आई सी, ठीक है, आप देखिए, मैं जरा सोसाइटी ऑफिस जाके आता हूँ। एक लड़की आएगी तेरी जिंदगी में जिसके दिल पर तिल होगा। मैडम, घर देख लिया आपने? उसे मत बताना मैं यहाँ हूँ, काट देगा। हाँ तो बहन जी, आप ये फ्लैट खरीद रही है ना? नहीं नहीं नहीं, खरीदना नहीं है मेरे को, भाड़े पे चाहिए। नहीं बहन जी, एक बार भाड़े पे देकर बहुत पछताया हूँ, अब दोबारा भाड़े पे नहीं देना चाहता। तो मैं क्या करूँ? मैं चलती हूँ। पता नहीं इस घर में क्या पनौती है, बिकता ही नहीं है। हेलो, स्क्रूवाला है क्या? आप कौन? उर्मिला मारतोड़कर। उर्मिला मारतोड़? वो बाथरूम में नहा रहे हैं। हेलो, जस्ट एक्सक्यूज मी प्लीज वन सेकेंड, जरा बाहर जाओ। थैंक यू वेरी मच। सॉरी टू मेक यू होल्डिंग द फोन, बट आपने मिसेस स्क्रूवाला को बताया तो नहीं कि आप कौन हैं? हाँ, अरे गुड। उन्हें अचानक पता लगा तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। होल्ड ऑन प्लीज। शक करना बंद करो। आप उसके घर हो आई? हाँ हो आई। बहुत गंदी नजर है साले की, कुत्रिया। लैंग्वेज मिस मारतोड़कर, भाषा का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने जबान पलटी, बोला खरीदने वरीदने का नहीं है, भाड़े पे दे दो। गुड गुड। उसने आपको ये कहते हुए सुना? हाँ सुना सुना। अब जो वो बोले वो करना, डोंट आर्ग्यू। वो आपके पीछे जरूर आएगा। इधर आओ ना। आओ। देखो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम्हें मकान किराए पर चाहिए ना? मिल जाएगा। एक्चुअली तुम्हें भाड़ा देने की जरूरत ही नहीं है। तुम मेरे साथ रह सकती हो जैसे मैं रहता हूँ। मगर तुम चढ़ने में कैसी हो? क्या बोला रे? तुम डरो मत, बस रहने के लिए आ जाओ। कब? आज रात के 2 बजे। ओके। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? उर्मिला। राहुल। नाइस टू मीट यू। आ जाना। हाँ, 2 बजे रात को। आई सी यू, बाय। क्या रात के 2 बजे? वो भी अंधेरे में? बिना प्रैक्टिस के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, आपने पीसीओ से फोन किया ना? हाँ सर, मैं पीसीओ से ही बोल रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका मोबाइल नंबर मेरी बीवी के हाथ लगे। आप ऐसा करिए, 5 मिनट बाद मोबाइल पर फोन करिए। फोन रखिए। चमेलिया, मुझ पर शक करना बंद करो। तो देखो कहाँ से फोन आया था। दी बोलिए। अभी अभी आपके यहाँ से किसी लड़की ने फोन किया था। अरे मैडम यहाँ तो कितनी लड़कियाँ आके फोन करती है। मैं किसका हिसाब रखूँ, आखिर मेरा भी तो धंधा है ना। क्या धंधा है आपका? लॉन्ड्री का। क्या? मैं लॉन्ड्री सप्लाई करता हूँ ना, आपको लॉन्ड्री सर्विस चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार कि उसने मेरी बात मान ली। वो आ रही है यार, तिल वाली लड़की घर आ रही है मेरे साथ रहने। अब हम साथ साथ रहेंगे। अबे साथ साथ नहीं, 7-8 मैं भी तो रहूंगा। अरे थोड़े दिनों के लिए तू बॉस के घर पे रह लेना यार। बॉस के घर पे? वैसे भी आजकल बॉस की नाइटी नाइट सूट पहने बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। इट्स सो डिफिकल्ट। वैसे वो तेरी वाली का क्या हाल है? हाल तो बड़ा बेहाल है यार। उसके माँ बाप भी ना हिटलर के खानदान से है। तूने बताया नहीं किरण जर्मनी से है? अबे हिटलर का मतलब है कि स्ट्रिक्ट है। उस बेचारे को एक कमरे में बंद करके रखा है। अब मुझे नहीं लगता मैं उसके बगैर जी पाऊंगा। I mean, उसके पैसे के बगैर जी पाऊंगा। मैं तो कब का उसके मरीन ड्राइव के फ्लैट में सेटल हो चुका हूं यार। तो फिर क्या करने की सोच रहा है? आज जा रहा उसके घर और दिखा दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। नहीं, आजकल मेरे जैसे हैंडसम दामाद मिलते कहाँ मार्केट में? हा? लाशें गिर जाएंगी, लाशें फ्रीज हो जाएंगे देख के। मुझे मुन्ना, कितनी ब्लैक की कमाई से ये व्हाइट हाउस बनाया था तुम्हारे पिताजी ने। हाँ बनाया तो था, लेकिन किरण की वजह से बेचना पड़ रहा है। वो बाहर तो आ रहे हैं ना घर देखने? नहीं, उसका बेटा आ रहा है। उसकी जल्दी शादी होने वाली और शादी के बाद वो ही आ रहेगा। आइला, ये बंगले की ऊंचाई देखकर मेरी प्यार की गहराई और भी बढ़ गई। He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. तू भी ना एकदम पागल है। हाँ, प्यार में पागल। किरण, वाह कितना हैंडसम है। ये किरण के बाजू में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कॉम्बिनेशन कौन है? अरे ये तो वही है ना जो डीके के स्टोर में। हाँ मतलब पहले डीके अब ये। समझ में नहीं आता तो उन पर जादू क्या करता है? आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तेरा एक्स्ट्रा। हाँ? मैं ऊपर आ रहा है, जाने अब क्या होगा। मैं आ रही हूँ जानू, मैं आ रही हूँ। किरण प्लीज कुछ करो। आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम। ओह पार्टी तो भलता ही रिएक्शन दे रही है यार। आइए पायल अगुवा जी, पेरे पाना बाबू जी। जीते रहो जीते रहो। सकु भाई, हाँ साड़ी दिवाली में मिली ना इन लोगों से। ये मेरी माताजी है। दादी माँ, गंगा स्वरूप। चलो एक सुकून तो है, हमारी चीज किसी अच्छे हाथों में जा रही है। बिल्कुल। मेरे क्या पियोगे, ठंडा गरम कुछ? नहीं माँ जी, अब हम खाएंगे पियेंगे तो शादी के बाद। अरे नहीं 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 बेटी, पहली बार घर आए हो कुछ तो लो। घटोत्कच घर देखोगे बेटा? बाबूजी अब देखना क्या, जो भी है अपना ही है। शादी के बाद मेरा ही है। सो तो है बेटा, हम तो यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं। चिंता मत कीजिए दादी माँ, मैं हूँ ना। आपके जाने के बाद क्रियाक्रम पूरा बराबर करवाऊंगा। मुन्ना क्रियाक्रम? पूजा की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, पूजा करवानी भी जरूरी होती है। तो बात फाइनल समझे? फाइनल? सच कहूँ तो मुझे लगा आप लोगों को ऑब्जेक्शन होगा। I mean, होता है एक अनजान आदमी के हाथों अपनी अमानत इस तरह सौंपना। यू नो हाउ इट इज। आई नो, बट यू गाइस आर अ ग्रेट फैमिली, ग्रेट फैमिली। वैसे किरण का है? किरण? हाँ। तुम जानते हो किरण को? अच्छा मजाक कर लेते आप। You naughty 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 you। किरण, किरण। I like your sense of humor. I like it very much. मुझे बंद करके रखा है। मम्मी डैडी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अरे दोनों तैयार है। ये क्या अंकल, आपने किरण को बंद करके रखा है? एक मिनट, तुम हो कौन? अब मैं कौन हूँ? फिर से मजाक। मैं हूँ आपका होने वाला दामाद और किरण का होने वाला पति। वैसे इन दोनों को चल रहा है क्या चक्कर होकर? तो तुम वही हो जिसने किरण को बहकाया है। अरे अंकल, आप अलोकनाथ से एकदम अमरीशपुरी कैसे बन गए? चुप, तो किरण की मासूमियत का फायदा उठाना चाहता है। निकल बाहर यहाँ से। अंकल शादी के बाद करने आओ, जरा इज्जत से यार। अरे शर्म कर करम जले, ऐसा कहने से पहले तू कैसी शर्म? अब किरण का हाथ तो मांगने आया हो, आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने किरण को प्रेग्नेंट कर दिया। हे भगवान, अब हम लोगों को क्या मुसीबत आएंगे? शांति, शांति मेरी बात सुनो शांति। मम्मी जी, मेरी मैं भी कुछ मदद करूं? निकल यहाँ से बाहर, तू निकल यहाँ से बाहर, निकल यहाँ से। अगर नहीं निकला तो मैं जंग लगी तलवार घुसा दूंगा, टिटस से मर जाएगा। निकल नालायक, वरना मैं काट डालूंगा। काट दो, पैर काटोगे तो हाथ के बनाऊंगा, हाथ काटोगे तो पीठ के बनाऊंगा, पीठ काटोगे तो मैं ऐसी चीज काटूंगा। टेक इट इजी, डोंट टेक इट सीरियसली एट ऑल। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ए अंकल, याद रखना किरण मेरा प्यार है। आक्रमण राम। हाँ तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली डॉक्टर, प्रॉब्लम यह है कि मुझे लड़के पसंद हैं। मेरे भाई को भी लड़के ही पसंद हैं। देखिए, ये कोई खानदानी या फिर हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है, है ना डॉक्टर? क्या है कि मेरे पिताजी को लड़के पसंद हैं, मेरे दादाजी को भी लड़के पसंद हैं, और तो और मेरे परदादा को भी। देखिए आपके घर में कोई ऐसा नहीं जिन्हें लड़कियां भी पसंद हो, है ना? वेरी गुड। कौन? मेरी बहन। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर रेखा हियर। रेखा बेटी, मैं भूषण अंकल बोल रहा हूँ, मुंबई से। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। जी अंकल, जरूर बताइए। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई आ सकती हो? इनफैक्ट मैं खुद कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़ने की सोच रही थी। अंकल आजकल तो ऐसे केसेस आने लगे हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। एनीवेज, हाउस किरण, वो तो मुझे भूल ही गया है। अरे वो खुद क्या है, वो भी भूल गया है बेटी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, किरण शादी करना चाहता है। अंकल इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मेरी बात सुनो रेखा, प्रॉब्लम ये है कि किरण जिससे शादी करना चाहता है वो एक लड़का है। क्या यू मीन किरण एक लड़का होकर एक लड़के से शादी करना चाहता है? हाँ बेटी। आप उसे मेरा नंबर दे दीजिए ना डॉक्टर। प्लीज एक मिनट। क्या कहा तुमने? नहीं अंकल, नहीं अंकल, आपसे नहीं। इट्स ओके। यू प्लीज डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द आपके पास आती हूँ। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। आइए आइए ना, ये है तुम्हारा कमरा, तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। क्यों रही हो? किसी ने सुन लिया तो? क्या कर रही हो तुम? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जगाने आया था तुम्हें इस तरह। एक्चुअली इससे पहले जब मैं आया तब तुम सो रही थी, तो सोते हुए तुम बहुत क्या खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा तुम सो रही हो, तब तक मैं मिसेस गायतुंडे का दूध निकाल कर लाता हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाइना से बनाकर रखता हूँ। ओके मिसेस गायतोंडे का दूध चम्माला, ये तो स्क्रूवाले के भेजे की तरफ खाली है। स्क्रूवाला, तूने मेरे बंदूक से गोलियां क्यों निकाली? तेरे को मालूम है आदमी कितना खतरनाक है। कूल डाउन मिस मातोड़कर, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तेरा लॉजिक गया मैं बोलूं उधर। मेरे को गोलियां चाहिए। ओह, गुड गुड। आई थिंक मिसेस स्क्रूवाला नहाने चली गई है। आप ऐसा करो, 9 बजे वो मंदिर जाएगी, आप यहाँ जाना, फिर यहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। अरे उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। क्या है कि रोज इस वक्त पोपट खड़ा हो जाता है नीचे। क्या बोला तू? लगता है किचन में कुछ जल रहा है, मैं अभी आता हूँ। ये पोपट बिना खड़ा हो जाता है नीचे। लगता है इसके लिए गोलियां लानी पड़ेंगी। किसी को मिलने बुलाया है? नहीं तो। और तुम आज मंदिर क्यों नहीं जा रही हो? 7 जन्मों का साथ मांगने के लिए? नहीं, कल पंडित जी ने बताया ये मेरा 7वां जन्म है। अचानक से जाकर मेरे बॉल्स लेकर आओ। कौन सा वाला? रेड वाला, व्हाइट वाला या ब्लू वाला? तीनों। ये और इनके 3 बॉल्स। इनके बॉल संभालते संभालते तो मेरी जिंदगी गुजर गई। खुल नहीं रहा है। अरे अंदर की तरफ खोलना। सॉरी सॉरी सॉरी। अंदर आइए, अंदर आइए। रोज मंदिर जाती, आज नहीं गई। मुझे गोलियां चाहिए। गोलियां? गोलियों की जरूरत नहीं है, मैं प्रिकॉशंस तो ले रहा हूँ। अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो? गोलियों के बगैर मैं रिस्क नहीं ले सकती। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर स्क्रूवाला को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कौन है? कौन सी गोलियों की बात कर रही है ये? वो गोलियां, पेशेंट है ना, अब बिना एग्जामिनेशन के तो गोलियां नहीं दे सकता ना, बिकॉज व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन आउटसाइड द रूम मे नॉट हैपन इनसाइड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द बॉल्स इनसाइड सो दैट यू रिमेन आउटसाइड द रूम। अब बताओ क्या हुआ? वो मिलिया, वो हरामी बहुत डेंजर है। मेरे साथ घड़ी घड़ी पोपट की बात कर रहा था। पोपट? अगर गोलियां होती ना तो सारी की सारी डाल देती भेजे में। काम डाउन मिस मारतोड़कर, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। इसीलिए मैंने गोलियां नहीं रखी। अब मैं हमारे ऑपरेशन का आपको दूसरा दौर समझाता हूँ। आपको हर पल हर लम्हा उसे अपनी ओर खींचना होगा। ओ माय गॉड। अरे कैसे रे? क्या कैसे? हाँ। तुम्हारा चलना, तुम्हारा मटकना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारा लहराना। कायरो पानी मांगता है क्या? नहीं, फिर तुम्हें ठंडी आए भरनी होगी। कैसे? ऐसे, ऐसे, हाथ नीचे। इन शॉर्ट, आपको एक ब्यूटीफुल फूल बनना होगा। जैसे वो भंवरा बनकर आप पर झपटेगा, आप पर बैठेगा, हम उस पर टूट पड़े। आज ये चूड़ियां नहीं पहनी मैंने, हाय मैं लुट गई। सारी दुनिया मेरे प्यार की दुश्मन बन गई है। करण के अलावा कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो। रेखा दीदी क्या कर रहे हो? करण के अलावा कोई मेरे साथ नहीं है। किरण मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुमने उसे ऐसा कहा? मुझे कहना पड़ा अंकल, हम सब उसके खिलाफ है ये सोचकर कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए पहले मैं उसका विश्वास जीतना चाहती हूँ, फिर उसे समझाना चाहती हूँ। इन द मीनवाइल आप मुझे उस लड़के का नाम, एड्रेस और नंबर दीजिए। हेलो हेलो, वही लफंगा है। रिलैक्स अंकल, रिलैक्स, काम डाउन। हेलो किरण? जी नहीं, मैं किरण नहीं, किरण की बहन रेखा बोल रही हूँ। दीदी दीदी, क्या मैं किरण से बात कर सकता हूँ? देखिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। जी आप उससे नहीं मिल सकते, उससे पहले आपको मुझे मिलना होगा। आपको? लगता है दीदी को पटा के जीजा बनना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, शाम 4 बजे जियो बरिस्ता। अरे इतने अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? What happened? तुझे पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो लड़की जो मेरे साथ रह रही है अचानक उसे कुछ हो गया। हो गया? वो बिल्कुल कम कपड़ों में घूमने लगी है। दिखने में कैसी है? बात वो नहीं है यार, वो मुझे एक सेकंड के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती। ऐसा क्या करती है? क्या हुआ? स्कर्ट कहाँ तुम्हारी? हे, स्कर्ट? वो तो मैंने धोने के लिए डाल दिया है। वो क्या है ना, पुरानी नौकरी की आदत है ना, वहाँ रोज धुलाई करनी पड़ती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ कुछ धोने को ही नहीं मिल रहा है। तू भी तो मौका नहीं दे रहा है। क्या? आयला चल ना, कहीं चलते हैं, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना। और फिर अंदर कुछ नहीं, कुछ पहना ही नहीं है यार। वाह यार। फिर वो किताब पढ़ती है, बिल्कुल मेरे सामने बैठकर। किताब कम खुलती है, वो ज्यादा खुलती है। और फिर वो मुझसे कहती है कि मुझे बिना कवर की किताबें बहुत पसंद है। oh, nice. और फिर अचानक कभी मैं सोफे पर बैठा हूँ, देखो ना ये घड़ी खराब है, ये घड़ी भी ना। और अब यहाँ आने के लिए निकल ही रहा था। मैं एक बात कहूँ? मैं तुम्हारे लिए गर्म, बहुत ही गर्म चाय बना के लाई हूँ। तुम संभल के आ, गिराना नहीं। लो मैं पूछ देती हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ यार। yes. तू ही बता मैं क्या करूँ? कंट्रोल yourself। क्या? I mean कंट्रोल yourself, कंट्रोल। कब तक कंट्रोल करूँ यार? अगर वो तिल वाली लड़की नहीं होती ना तो मैं कब का उसे तो क्या करता, लात मार के बाहर निकाल देता। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तुझे आजमा रही है। आजमा रही है? हाँ, वो तुझे एक आवारा भवरा समझती है जो हर किले पुल पर बैठता है, पर तुझे उसे बताना होगा कि तू एक भवरा नहीं, एक परवाना है। yes. तू आग मत देख जो वो तुझे दिखा रही है। yes. मेंटेन डिग्निटी। पर कैसे? इग्नोर, उसे अपने दिमाग से निकाल, भूल जाओ उसे, कुछ और सोच। यस ओके, अब मैं जाता हूँ, किरण की बहन मुझे मिलना है। ओके बाय। डिग्निटी। हाँ सुन, तू भी भूलना मत। क्या? किरण की बहन डिग्निटी। 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 आजकल की लड़कियां कॉफी पीने आती है, काफी दिखाने आती है। एक्सक्यूज मी, रेखा तुम? करण तुम? रेखा। या? वो क्या, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। क्या तुम मेरा टाइम पास बनोगी? कुछ खाओगी या फिर? कॉफी चलेगी। ये लो, कैफे कूल लाते, तुम्हारा फेवरेट राइट? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मेरा भी फेवरेट है, और जाने वालों की पसंद तो हमेशा एक ही होती है। मतलब? बहुत प्यार करता था तुमसे, अब उस एक चाटे ने तो मुझे बिल्कुल बदल दिया। मेरा एक थप्पड़ तुम्हें इतना बदल देगा करण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी। मगर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम किरण से प्यार कर बैठे? तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाती। मुझे सिर्फ किरण चाहिए, क्योंकि किरण ही मेरा पहला, आई मीन दूसरा और आखिरी प्यार है। That's it. जिसका हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर हो, वो आजकल ऐसी बातें कर रहा है, और अगर किरण को पता चल गया तो? नहीं रेखा नहीं, तुम किरण को कुछ नहीं बताओगी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आई मीन अपने हाथ जोड़ता हूँ। और वैसे भी मैं अपने अफेयर्स के किस्से तो खुद फैलाता था। सच्चाई ये कि मुझे आज तक किसी लड़की ने छुआ तक नहीं। I mean, सिर्फ तुम्हारे। I'm sorry, तुम किरण को कुछ नहीं बताओगी। प्लीज 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 रेखा, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, कुछ करता हूँ, प्लीज करण। इट्स ओके। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम सच कह रहे हो? किरण की कसम। और अगर वो सब कुछ तुमने किरण को बताया तो जहर खाकर जान दे दूंगा। करण, वो शक्कर है। मुझे हैवी डायबिटीज है। एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या परफॉर्मेंस है यार। अरे रॉकी तू इतने सालों बाद, ग्रेट टू सी यू मैन। ग्रेट टू सी यू टू यार। हाँ अंकल, मैं इस लड़के को जानती हूँ, पहले तो एकदम नॉर्मल था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हो सकता है आजकल कुछ भी हो सकता है, पर यू डोंट वरी अंकल, इस केस को सुलझाने के लिए मुझे अपने गुरु डॉक्टर स्क्रूवाला की मदद लेनी पड़ेगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई लेडी पेशेंट स्क्रूवाला से गोली लेने नहीं आएगी घर पर। अगर आएगी तो मैं गोली मार दूंगी। यस, डॉक्टर स्क्रूवाला हैं। उन्होंने लेडी पेशेंट्स लेने बंद कर दिए हैं। मैडम देखिए, मैं उनकी पेशेंट नहीं, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? पेशेंट आने बंद करवाए तो स्टूडेंट आने शुरू हो गए। अरे काहे की स्टूडेंट, इसे भी स्प्लॉन्डी वाले नहीं भेजा होगा। यू रियलाइज कि तुम्हारे एक चांटे ने उसकी लाइफ बदल दी। यस और नो? यस सर। गुड। कल तक जो लड़का लड़कियों के आगे पीछे भागता था, आज वो लड़कों के पीछे, क्योंकि वो एक सच्चे प्यार की तलाश में है। अब जिन हाथों से तुमने उसे चांटा मारा, उन्हीं हाथों से तुम उसे अपनी तरफ खींच सकती हो। सब मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। It's in fact a simple case of what is it called that word? Psychotic role reversal. Exactly, same thing. For example, आज से 30 साल पहले मेरी पत्नी पार्वती बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती थी। इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक, लेकिन आज वो ऐसी नहीं लगती। So it's natural for me कि मैं दुनिया की परवाह ना करके आज तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे तुम्हें 30 साल पहले की पार्वती नजर आ रही है। इमेजिन करो, आज अगर पार्वती जो 30 साल पहले लगती थी आज मेरे सामने आ जाए तो वो आसानी से मुझे पा सकती है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। पार्वती, पार्वती तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तुझे अपने पति को वापस लाने के लिए इस कमरे को कमर बनाना ही पड़ेगा। उन्हें 30 साल पहले वाली पार्वती चाहिए। पार्वती कर, कर पार्वती कर। राहुल देख क्या रहे हो, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, किसी का गलती से पीछे हाथ लग गया तो। अब भी आई। राहुल जरा अंदर आओ ना। नहीं 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 नहीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट पल में दूर करे स्वामी। रेखा तुम? हाँ मैं। तुम्हारे ख्यालात आज काफी खुले हुए लग रहे हैं। तुम्हारी बंद आंखें खोलने के लिए। नहीं रेखा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। क्यों? क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे पास वो नहीं है जो किरण के पास है। अब तो इसे बताना ही होगा कि मेरे पास क्या है। ओके उर्मिला, आई सी। तुम्हें उसे वहां लेकर जाना है, तुम्हें उस घोड़े का चारा बनना है ताकि उसके पास कोई चारा ना रहे, बेचारा। डॉक्टर घोड़ी आई, माय बाय बॉल्स। Your balls are in my hands. Really? रेपिस्ट 16 से 60 तक किसी भी औरत को नहीं छोड़ता। वो मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा है। Stupid. डॉक्टर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आपका ऑपरेशन फेल, अब मेरे बच्चे से फेल हो जाएगा। On the contrary, it's fascinating. ये तरीका तो मेरी सोच से भी ज्यादा सक्सेसफुल निकला। मगर उसने कुछ नहीं किया। You know, हम डॉक्टर्स की भाषा में कुछ ना करने को क्या कहते हैं? प्रीकन्वल्सिव साइकोटिक एपथी। आम भाषा में बोलो तो इसे तूफान से आने के पहले का सन्नाटा कहते हैं। ऑफिसर, हमारा मिशन एक बहुत ही खतरनाक दौर में आ चुका है। अब अगर उसे मैं एक बार देख लूं, एक बार छू लूं, तो मैं आपको एग्जैक्ट तारीख, एग्जैक्ट वक्त, एग्जैक्ट लम्हा, एग्जैक्ट घड़ी बता सकता हूं जब उसके अंदर की वासना का ज्वालामुखी फूटेगा। I will have to check for some irregularities in the frontal lobe, blood pressure, RNA, DNA, ocular dilation, height, weight, reflexes. 1 minute. 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम उससे कहो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, मैं तुम्हारा अंकल ठीक रहेगा। ओके, मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ और मैं एक टेलर हूँ। टेलर? हाँ, मतलब दर्जी हूँ, दर्जी। हाँ। और मैं उसके लिए एक सूट सीना चाहता हूँ। सूट? लॉजिक का इस्तेमाल करो। अगर उसे पता लग गया कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे वो पता नहीं लगेगा जो मुझे पता लगना बहुत जरूरी है। कैसी है चाय? राहुल, आज शाम को मेरे अंकल आ रहे हैं यहाँ पे। अंकल? किस लिए? तुमको देखने। मुझे देखने? दरअसल एक टेलर है जो तुम्हारे लिए सूट सीना चाहते हैं। चलो, शादी के सूट का खर्चा तो बच गया। क्या कहा? नहीं, वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, अंकल कुछ सवाल पूछेंगे, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं तो पैदा ही फॉर्मेलिटी के लिए हुआ हूँ। राहुल, ये समझ लो कि आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा? अगर तुम इसमें पास हो गए तो चले। अंकल आ रहे हैं ना, तो बाहर से सब्जी वगैरह भी तो लानी पड़ेगी ना? खरीदनी पड़ेगी। हाँ, तो तुम तैयार हो जाओ। हाँ, चाय कैसी लगी? वेरी गुड। बस रात का खाना तुम मत पकाना प्लीज। लो छुपा इधर लाके लोग ढूंढते ही लेता हूँ। पहले इस खिड़की को ठीक करा। उसे छोड़ो, नीचे पोपट खड़ा है। क्या? अरे हाँ, तुम्हें बताया नहीं ना, एक पोपट लॉन्ड्री वाला है जिससे हमने सूट लिए थे और लौटा नहीं पाए। अब रोज वसूली के लिए नीचे खड़ा हो जाता है। तुम उस दिन इस पोपट की बात कर रहे थे? हाँ। मैं समझी कि मुझे मालूम है तुम क्या समझी होगी। हा? वही हरा हरा उड़ने वाला पोपट है ना? तुम भी ना। चलो आज मेन गेट से चलते हैं। अरे उधर किसने पकड़ लिया? तो चलो ना, कोई नहीं पकड़ेगा। जी साहब, सोनी साहब, स्टार प्लस नहीं आता? अभी चेक करता हूँ। ओहो, बंद करता है। आए जो पेरा ने जोड़ीदार वाले की। हाँ। कभी शादी हुआ? हाँ? 5 दिन पहले। कितना क्यूट कपल है ना। प्लानिंग फॉर किड्स? हाँ, वो हो जाए तो अच्छा है। अरे हो जाए बोलेगा तो अरे कुछ मदद का जरूरत है तो हमको बोलो। एवरग्रीन एंड एवर रेडी। हाँ। क्या तुम उसका मदद करेगा? Yes. अरे 30 साल से हमारा शादी हो गया, तुम एक छोकरा हमको नहीं दे सका। तुम उसका मदद क्या करेगा? तुम चुप रहो। एंजॉय योरसेल्व्स बच्चे लोग, तुम लोग मजा करो। गॉड ब्लेस यू। अरे हम बच्चे लोग को एंजॉय देते हैं। बुढ़ा रंगीन है। मेरे पैसे से इतने कहते कुल लाटे पी गई कि मैं घाटे में आ गया, लेकिन अब तक किरण नहीं आई। आई एम लूजिंग माई कूल। रेखा, किरण कहाँ है? वेयर इज किरण? मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो करण, नाराज मत हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? किरण का घर से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं उसके घर चला जाता हूँ। अब करण, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन किरण की बात तो सुनोगे? किरण? किरण ने एक मैसेज भेजा तुम्हारे लिए। मैसेज? अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा सकती हूँ। सच? तुम्हारी कसम। ये सब किरण ने कहा? हाँ, उसी ने। अब कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अपने दिल की बात कर रही थी। अगर ये सब सच हो तो क्या तुम किरण को भूल जाओगे? Of course not। मेरे लिए तो जीने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है किरण। सच कहो कि सब किरण ने कहा था। हाँ। अगर मैं तुम्हें एक चीज दूं तो क्या तुम वो किरण को दोगी? Of course। तुमने मुझे ये किरण के लिए, क्या तुम मेरे लिए उसे दोगी? गॉड ब्लेस यू। जिसकी वफाई की मिसालें देनी चाहिए उसे मैंने बेवफा समझा। कुछ ना कुछ करके मुझे इसे वापस पाना ही होगा। आई लव यू करण। हाय हाय क्या डिक्की है यार, क्या हेडलाइट है, क्या बोनेट है। इसको चलाने में तो बहुत मजा आएगा यार। बॉस ये टेस्ट ड्राइव के लिए मिलेगी क्या? तेरी जात को। जरा पकड़ो, एक मिनट पकड़ो ना। क्या बोला बे? ओनली फॉर टेस्ट ड्राइव यार। लाइसेंस है? तू कौन है बे शाने? आरटीओ ऑफिसर। आरटीओ ऑफिसर? हाँ। यार देखो तुम जो बहुत गलत कर रही हो। मैं अभी भी कहता हूँ वापस चले जाओ, अंदर बहुत खतरा है। जानती हूँ मेरे सुहाग को खतरा है। नीचे कहते हो 205 में जाना और 506 में लेकर आते हो। अरे वो इसलिए कि हत्यारा यहाँ छुप छुप कर आता जाता है। हत्यारा छुप छुप कर आता है या तुम छुप छुप कर आते हो? Oh God। देखो अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई तो मैं। अरे तुम समझ क्यों नहीं? No, she's my wife, my wife। मेरे को खबर नहीं था कि आप आने वाले हैं। आइए ना अंकल। अच्छा मैं साथ में हूँ तो अंकल। वो किधर है? वो अंदर किचन में। जो स्टूडेंट बनकर आई थी वो किचन में है। आप कुछ ढूंढ रही है? टॉयलेट। हाँ आगे जाके लेफ्ट। अरे अरे ये कहाँ चले गए? कहीं ये सच तो नहीं कह रहे थे? सुनिए जी। हाँ? इतने बड़े छुरे से मुझ पर? काम डाउन काम डाउन। मैंने कहा था ना कि अंदर खतरा है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। ओके ओके इट्स ओके। लो दवाई खाओ सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। तब तक मैं अपना काम खत्म कर आता हूँ। ओके। वो खामा खा डर गई और तुम तो जानती हो ना वो किचन के दरवाजे का। माफ कीजिए सर, वो एक्चुअली हमारे Nothing to worry, मैंने गोली खिला दी है उसको। आई एम डॉक्टर टेलर मास्टर स्क्रूवाला। आई एम राहुल, नाइस टू मीट यू। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, ट्रैफिक की वजह से क्या हो गया कि 28, 27, 29 और पॉल्यूशन इतना था कि मुंह खोलो मुन्ना, आ करो आ, सांस लो और फेफड़ों में इतनी हवा भरी पड़ी है कि मतलब माय गॉड। ओ एक मिनट, बुखार तो नहीं है ना बेटा? इतनी सारी तैयारियां। तुम्हारे अंकल तो मेरे अंकल जैसे ही है ना। ये लाइट किसने ऑफ की? सॉरी, वो शायद फ्यूज का प्रॉब्लम है। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो भाई? सांसें फूली हुई हैं, धड़कन तेज है, आंखें लाल है। आपकी? उसकी पहला अटैक वो कर चुका है। किस पर? मेरी बीवी पर। अरे सर, वो तो स्टॉपर पे गिर कर हुआ। अभी देखना और कितना गिरता है वो। हाँ, हाँ। आउट। आ, ओ, हाँ, हाँ। आप ठीक तो है ना? लगता है ठीक नहीं है बेचारी। वैसे तो मैं सिर्फ चाय ही पीता हूँ। आई नो, वो भी स्पेशल दूध की। मगर आपको कैसे पता चला? लॉजिक। उर्मिला, तुम भी ना? अच्छा, इनमें से कोई भी एक बॉल उठाओ। रेड? तुमने रेड बॉल को क्यों उठाया? वो नजदीक था ना, इसलिए। मतलब जो भी चीज नजदीक होती है उसको उठा लेता है। अंकल, आप ये बॉल्स क्यों लेकर आए? सूट के लिए। सूट के लिए? क्योंकि हाँ, मैं कोई मामूली टेलर नहीं हूँ। मैं इंसानों को नापता नहीं हूँ, बल्कि उनको भापता हूँ। कम ऑन, शाबाश। इधर खड़े हो जाओ, बाजू पर करो। हाँ। एक मिनट, ऑलमोस्ट 57। अब नीचे झुको, झुके रहो। 37। अब ऊपर आओ, शाबाश। ऊपर करो, टांग ऊपर करो, शाबाश। और ऊपर देखो बेटा, बोला ना ऊपर देखो। ऊपर देखो। अब शर्ट की डिटेल्स और अब स्लीव्स की डिटेल। ऊपर देखो, हिलो मत। रुको, ब्लड की डिटेल, मतलब कलर की डिटेल के लिए। और थैंक यू। और अब पेंट की बारी। अंदर देखो, किचन में कुछ जल रहा है। अरे ये डिटेल बहुत जरूरी थी भाई। यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है, शायद उस रूम में। रुको। मगर कहीं धुआं हुआ किसी ने देख लिया तो? रुक जाओ, कहीं कुछ नहीं जल रहा है। लेकिन तुमने तो कहा कि। अरे वो तो मैंने ऐसे ही। वो अंकल कुछ ज्यादा ही। हाँ, वो तो मुझे भी लगा। लेकिन आखिर तुम्हारे अंकल है ना, और तुमने कहा था ना वो अग्नि परीक्षा। बहुत ज्यादा लगी क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी कुछ लगा के आता हूँ। ओके? और हाँ, अंकल का ख्याल रखना। पहली बार आए हैं ना यहाँ, ओके? Oh my God, द्रौपदी चीर हरण। तू इधर क्या कर रहा है? ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? लगी हुई है। कोई भी इंसान अपने कब्र में द्रौपदी चीर हरण की तस्वीर क्यों लगाएगा? क्यों? लॉजिक। इसके पीछे एक लॉजिक है। और जिस दिन इन सारे टेस्ट के रिजल्ट्स मेरे हाथ में आ गए, तुम्हें वो लॉजिक भी पता लग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी शॉकिंग। मैम, आप कहीं जा रही हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं नहीं जा रही। मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, फ्रेश एयर, रफ्तार। हाँ, ओके। हाँ। पर मैम, मैं आपको वही बता रहा था मैम। मैम, मेरी बात सुनिए मैम। मैं आ रहा हूँ। छोड़ो मुझे। उर्मिला, खिड़की। खिड़की थी, वो मेरी वाइफ है। अरे मेरी वाइफ को तो छोड़, लीव माय वाइफ एट प्लीज, लीव माय वाइफ प्लीज, प्लीज मेरी एक ही वाइफ है। नहीं खुद की शादी मत कर, छोड़ दो उसे, छोड़ दे प्लीज। वाइफ तू बच गई। नहीं वो खिड़की प्रॉब्लम पोपट। आई नो इट, आई सॉ दैट। कीप इन टच ओके। उर्मिला मैं फेल हो गया पर मेरे लिए पास हो गए, बहुत पास। मगर वो लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे ना? वो चाहे जो भी समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम ही हो वो लड़की जो मेरी किस्मत बदल सकती है। ये बात तेरे को किसने बताई? मेरे दिल ने? नहीं, मेरे ज्योतिषी ने। क्या? हाँ, एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी में एक लड़की आएगी जो मेरी किस्मत ही बदल देगी और उसके दिल पर तिल होगा। मतलब तुमने मुझे इस घर में सिर्फ इस दिल की वजह से रखा? नहीं तो दिल की वजह से। मुझे 16 उम्र तेरा दिल हुआ पागल। बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ किरण, उसने मुझे प्रपोज किया था। सिर्फ 5 साल पहले वो एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन आज वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, समझी? मुझसे प्यार नहीं है किरण। Why don't you understand? अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुमसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? वो आया था, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे उसे मिलने भी नहीं दिया। मॉम डैड, सच्चे प्यार करने वाले मॉम डैड की परवाह नहीं करते, दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के अंदर आ जाते हैं। करण का खत। My love, my darling. Thank you. आज रात मैं डिस्को 82 में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। आओगी ना? हाँ. I knew it. लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। No. अरे हाँ, I hope वो तुम्हें मेरी सारी किसेस भी मिल चुकी होंगी जो मैंने रेखा के हाथों, I mean, कालो भिजवाई थी। किसे? अरे रुको एक मिनट। तो ये चाल चल रही थी तुम? किरण तुम समझ मेरे कान भर कर तुम मेरे ही प्यार को मुझसे छीनना चाहती थी? किरण तुम मेरी बात तो पहले ही शक था। किरण ये क्या कर रहे हो तुम? हटो। हेलो उर्मिला दीदी, मैं किरण बोल रही हूँ। दीदी प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए, मेरी खुद की बहन मेरे प्यार की दुश्मन बन गई है। उर्मिला। ओके दीदी प्लीज जल्दी आइए। किरण, ओए किरण, किरण चल गा सोनिया गाड़ी में बैठ, आज तेरी शादी करवाती हूँ मैटर खल्लास। अरे मेरी शादी करवाने वाली तुम हो कौन? येड़ी है क्या, खुद ही बुलाती है और पूछती है कौन? मैंने बुलाया। तू किरण ही है ना? नहीं, मैं किरण की बहन रेखा हूँ। शर्म नहीं आती तेरे को? बहनों के बहन का प्यार छीनती है। अरे कौन सी बहन, किसकी बहन? किरण। तूने ही बताया ना कि तू उसकी बहन है। हाँ मैं किरण की बहन हूँ, लेकिन किरण मेरी बहन नहीं है। क्या? तू उसकी बहन है पर वो तेरी बहन नहीं है। एग्जैक्टली, किरण मेरी बहन नहीं है। दारू पी के बैठी है क्या? तू उसकी बहन है पर वो तेरी बहन नहीं है। हैं? वो मेरी बहन कैसे हो सकती है, वो मेरा भाई है। अच्छा वो तेरा भाई? और यही है उस करण की असलियत। अब तो आप सब कुछ समझ गई ना? हाँ, हाँ। इंस्पेक्टर अगर आप किसी तरह करण को डिस्को में आने से रोक पाए ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, वो आज के बाद किरण का नाम नहीं लेगा। तू है मेरी किरण, जरूर तेरी नजर। कपड़े पहनते हैं ठीक है। This looks okay. Hey dude, you're back. बंगले पे इतना खर्चा किया, कपड़ों पे नहीं किया क्या? मेरे घर में घुस गए, मेरे बाथरूम में ना गए, मेरे कपड़ों में घुसे हुए तुम। इतना गुस्सा बॉस? अरे आपके लिए मैंने ऐसा काम कर दिया जिसके लिए आप कपड़े तो क्या पूरा मकान मेरे नाम पे कर दोगे। कौन सा काम? मैंने आपकी जिंदगी से किरण को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। क्या कह रहे हो तुम? अरे बॉस आप ही ने तो कहा था कि आप किरण से पीछा छुड़वाना चाहते हो, इसलिए मैंने आपसे उसका पीछा छुड़वा दिया और मैं खुद उसके पीछे लग गया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बॉस, इसलिए चंद ही दिनों में हमारी शादी हो रही है और उसका इनविटेशन मैं आपको जरूर भेज दूंगा। ऐसा मत करो। यू नो अमेरिका में जाकर मैंने रियलाइज किया कि मैं किरण के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर तुम्हें मरना होगा। Shut up! मुझे मरना होगा। तुमने किरण को अगर छुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ए नीली गोटी, कैच कैच खेल रहे क्या? कभी पकड़ा कभी छोड़ा। हाँ इतना समझ, किरण is mine and that's final. No, तुम जाने नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े गुंडे हैं। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मुंह है। मुंह क्या? मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस? मुंबई पुलिस, पुलिस का नाम सुनते फट गई साले की। मैडम आप, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए तो आई हूँ। What are you saying, Doctor Screwwala? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब से इंस्पेक्टर उर्मिला मातोड़कर उसके साथ रह रही है, एक भी लड़की क्या उसका शिकार बनी है? That proves my point कि हम सही आदमी के पीछे हैं। मैं अब भी यही कहूंगी कि वो राहुल हत्यारा नहीं हो सकता। क्या ये बात आप मेरी बीवी को समझा सकती हैं? मैंने आपको तभी कहा था ना कि वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? हाँ। क्या उस तस्वीर का उसके कमरे में पाया जाना भी एक एक्सीडेंट है? तस्वीर? यस कमिश्नर, तस्वीर द्रौपदी वस्त्र हरण की। पिछले 2 दिन से मैं इसी बात पर रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर उस तस्वीर का और हमारे हत्यारे का कनेक्शन क्या हो सकता है, और आज मैंने वो कनेक्शन ढूंढ निकाला है। और वो कनेक्शन है ये साड़ी द्रौपदी की? जी नहीं, दादर एम्पोरियम की। इंस्पेक्टर, आपको ये साड़ी पहनकर उस हत्यारे के आगे जाना होगा क्या? और जैसे ही वो आपको इस साड़ी में देखेगा, उसके अंदर का दुशासन बाहर निकल आएगा। ब्रिलियंट। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है कि वो निर्दोष है। ऑफिसर, इट्स एन ऑर्डर। मैं ये ऑर्डर मानने से इनकार करती हूँ सर। आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं। और रही बात इनके लॉजिक की, तो सर एक बात नोटिस की आपने, जिस दिन से हमने इन्हें अपॉइंट किया है उस दिन से लेके आज तक एक भी लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है। सोचेगा। Hold on, Inspector Urmila Matorkar. Remember one thing. With a personality like Doctor Screwwala, I don't have to rape any woman. Remember that. Okay? And as far as you are concerned, choose any of the balls. I knew it, Commissioner. She is in love. Oh, my balls. पहले DK और फिर ये करण, दोनों ने मुझसे प्यार के वादे किए और फिर तोड़ दिए। आखिर ये दोनों मुझे समझते क्या है? गेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। किरण, तुम यहाँ, तुम जहाँ मैं वहाँ। किरण, मेरे दिल में वापस आ जाओ। किरण, क्या तुम वादा करते हो कि ऐसा तुम फिर कभी नहीं करोगे? हाँ, आई प्रॉमिस। मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे? कभी नहीं जाऊंगा डार्लिंग। इनफैक्ट हम दोनों अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में हमारा एक छोटा सा कॉटेज होगा। उस छोटे से कॉटेज के बाहर एक छोटा सा गार्डन होगा। उस गार्डन में 2-3 सालों बाद हम दोनों के 2-3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्या आम के पेड़ होंगे। नॉटी बॉय, रियली? लेकिन जाएंगे कैसे? नीचे मेरे पापा नंगी तलवार लेकर घूम रहे हैं, वो भी जंग लगी हुई। तुम्हारे डैडी की जंग लगी तलवार की मैं परवाह नहीं करता। कोई नहीं है डैडी। तो आज मैं रात को 2 बजे आऊंगा तुमको लेने के लिए। फिर तुम जरूर आना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कमिश्नर साहब, मुझे मालूम है कि वो लड़का ऐसा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। राहुल, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आज नौकरी ढूंढने नहीं गई तुम? हाँ, वो मिल गई ना। अच्छा। हाँ, वो एक पुरानी नौकरी थी जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, वो वापस ज्वाइन कर ली। ग्रेट न्यूज उर्मिला। इस मौके पर तुम्हारे लिए गिफ्ट। गिफ्ट? मैंने खुद डिजाइन किया है खास तुम्हारे लिए। क्या इसमें? वो तुम खुद ही देख लो ना। हाँ, मगर दो तो सही। हाँ, आई एम सॉरी। आपको ये साड़ी पहनकर उस हत्यारे के आगे जाना होगा, और जैसे ही वो आपको इस साड़ी में देखेगा, उसके अंदर का दुशासन बाहर निकल आएगा। कहीं स्क्रूवाला की बात सच तो नहीं? क्या करूं? क्या सोच रहे हो? सच कहूं? मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूं। क्या? तुम्हें किसी मंदिर में रखकर जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करना चाहता हूं। कर दूं? मगर क्यों? क्योंकि मुझे यहां से जाना है। तुम जा रही हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए मुझे जाना होगा। मगर वजह क्या है? मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे उर्मिला, उर्मिला, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम जा क्यों रही हो, मगर ये पता है कि तुम वापस जरूर आओगी। और ये मुझे किसी जोशी ने नहीं, मेरे दिल ने कहा है। सच कहा है ना? भेस बदलकर घर तक पहुंच गई। ये मेरा घर कभी बसने नहीं देगी। राहुल, करण, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मेरा प्यार मुझसे छीना जा रहा है दोस्त। उस कमीने टीके ने बहुत बड़ा गेम खेला है। क्या? एक तो पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया और वहां किरण मेरा फोन नहीं उठा रही यार। तो तू चले जाना उसके घर। अबे कैसे जाऊं यार? एक तो उसका बाप एक जंग लगी तलवार लेकर लड़के को दौड़ता है। अब पता नहीं मैं करूं तो क्या करूं यार। मेरे पास एक आइडिया है। Useless people, I don't know where they are. कौन हो तुम लोग? आपने कहा था ना पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ये आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन मैंने तो 5 आदमी के लिए बोला था, तुम लोग तो सिर्फ 4 हो। वो उसको जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम है। ओके। तुम जानते हो तुमको करना क्या है? क्या? तुमको सिर्फ किरण को मेरे पास लेके आने का है। अच्छा। रास्ते में कोई आएगा तो उसको सुला दो। काबुला, काबुला। ये जमाने। Now move, go. काबुला। सुनो, पार्टी माल वाली लगती है। लड़की को उठा के अपने अड्डे पे लेके जाओ। टीके को खर्चा पानी देंगे खाली। कबूला, कबूला। शांति, शांति को छोड़ो। अरे मेरी बात सुनते क्यों नहीं? ऊपर जाके लड़की को उठा। हे बुश, तुम क्या कर रहे हो? सर, वो बुश में। ओके, तुम जाके ओसामा की मदद करो। बुश में। अबे डायबिटीज, ऊपर जाके देख क्या हो रहा है। अरे किरण, किरण, अरे कहाँ ले जा रहे हो किरण को? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। रुक, दूसरा किधर है? ऊपर ऊपर कपड़े पैक कर रहा है। अरे बुश, तुम भी ओसामा से मिले हुए हो? नहीं नहीं नहीं। छोड़ दो, रुको, कोई किरण को रोको, रोको उन्हें। Quickly. Well done, Bush. Thank you, DK. ठीक है राहुल? यस, राहुल। और अब इस डिजाइन पर मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखने कभी नहीं दूंगा। मतलब कि इसकी शादी मेरे दोस्त के साथ काली मंदिर में हो रही है। काली मंदिर? दम है तो रोक के बता। What do you mean? ले। आंटी शांत हो जाइए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। देखिए मुझे मालूम है वो लोग किरण को कहाँ लेके गए। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ। आइए कम ऑन। क्या कहा था तुमने? मैं साड़ी पहनूंगी तो मेरे पे झपटेगा। पहनी साड़ी। पता है उसने क्या कहा? No. कि वो मुझे मंदिर ले जाएगा। मेरी आरती उतारेगा, पूजा करेगा। वाह, लॉजिक मिस्टर कमिश्नर, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। I'm sure he's a धार्मिक किलर। मात पिता तुम मेरे मर्डर। सर आप इसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइए, बहुत हो गया। सर। हाँ बोलो हवलदार। और ओके, तुम सब जगह नाकाबंदी लगा दो एंड कीप मी इन्फॉर्म। ओके, एक और मर्डर हो गया है मंदिर के पास, और इस बार उस औरत ने साड़ी पहन रखी थी। लेकिन सर अब आपका क्या कहना है इंस्पेक्टर उर्मिला माथोड़कर? आप डॉक्टर स्क्रूवाला की थियरीज को, डॉक्टर स्क्रूवाला के नॉलेज को चैलेंज कर रही थी। देख लिया आपने, ये सब आपकी वजह से हुआ इंस्पेक्टर। अगर आप साड़ी पहनकर थोड़ी देर और वहां उसके पास होती तो उसका हमला एक बेबस औरत पर नहीं बल्कि एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर पर होता। अब आप बताइए, इलाज की मुझे जरूरत है आपको। लेकिन सर इसका ये मतलब तो बहस करने की जरूरत नहीं। और मिला, फौरन पुलिस यूनिट को लेके जाओ, उस बिल्डिंग पे नजर रखो। चलो चलो जाने दो, चलो 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 जल्दी। ओह गॉड। चलो ठीक है इसको जाने दो। ये डीके की पहुंच तो बहुत ऊपर तक लग रही है, मगर डीके तेरी दीवार अंबुजा सीमेंट की क्यों ना बनी हो, आज मैं इसे तोड़कर रहूंगा, तोड़ कर रहूंगा। भाई चल जाए, गाड़ी में बैठो, चलो पीछा करो। मुझे मत चलो, मैं मर जाऊंगा। अरे ये पुलिस वाले के एनकाउंटर कर रहे हैं, चलो जल्दी करो, पीछा करो। अरे उतार के भागो साहब, गाड़ी चालू नहीं हो रही। यार कैसे घटिया गाड़ी देते हैं, फिर हमसे ही पूछते हैं ये पुलिस वाले काइनेक्स में लेट क्यों आते हैं। इतना लेट कैसे हो गया है? आज से सुबह हो गई और अब तक आया नहीं। साहब मैं अब भी बोल देता हूँ, मुझे शादी करवानी नहीं आती, मैं अंतिम क्रिया एक्सपर्ट हूँ। अबे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, समझा ना? तू चुपचाप पढ़। आपने वो लाश पे से हार उठाया, वो अच्छा नहीं किया साहब। ये पंडित, एक खींच के दूंगा ना तेरे को, तेरी लाश बिछा दूंगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। ओम यम देवताभ्यो नमः। नहीं नहीं नहीं, दो देवी नरमुन्नाय देवी अभ्यो नमः, यम देवताभ्यो नमः। अरे प्रेत आ गया, चलो। अबे प्रेत नहीं प्रीत है मेरी, नीचे बैठ, मंत्र पढ़। राहुल ये फ्लैप करके लाया, नाइस। वो भाभी जी गिर गई थी, बेहोश हो गई है। क्या ये सब छोड़, तू जल्दी कर, पीछे डीके आ रहा है। डीके अब फिर तू आप आज पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान कन्यादान यही करेंगे, तू चालू रख। ओम यम देवता अभ्यो नमः ईश्वर प्रेतात्मा को शांति। अबे क्या बक रहा है? करण ये सब कुछ गलत है, प्लीज रुक जाओ। कुछ गलत नहीं है, अगर मेजर किरण के बीच कोई आया ना तो लाशें बिछा दूंगा। मैं भी लाशें बिछा दूंगा, मैं अंतिम क्रिया एक्सपर्ट हूँ, मिलके जलाएंगे। चलो किरण को मेरे हवाले करो। तुम्हारे हवाले? हाँ, किरण मेरा पहला प्यार है। अबे हट, किरण मेरा प्यार है। अरे ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा तुम किरण के दोस्त हो। हाँ दोस्त भी हूँ, किरण को मेरे हवाले करो। अब बोल करण, तू इसके सामने शादी कर दे। नहीं नहीं करण, तो आज हमारे बीच में मत आओ। हाथ छोड़ो मेरा। करण टाइम पास मत कर, बस मांग भर ले। करण ये तुम क्या कर रहे हो? किरण तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। अबे तो किसे उठा लाया? इससे शादी करवा रहा था मेरी, इडियट। किरण अग्नि संस्कार कर दूं। अबे चुप कर, माफ कर। किरण थैंक गॉड तुम आ गई हो, वाह, शादी के लिए हार भी लाई हो। चलो जाओ शादी करते हैं। शादी? अरे किसकी शादी? हमारी शादी। 2 घंटे पहले तुम्हारी शादी हुई है। हम तो केवल आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। भाभी जी चलो, मैं तो आपकी जगह किसी और को ले आया। अच्छा आप आ गई, चलो चलो। भाभी कौन भाभी? किसकी भाभी? इसकी भाभी। चलो जाके शादी करते हैं। कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा, समझे? मैं किरण को अमेरिका ले जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। किरण छोड़ो, किरण को बचाओ। किरण ही को तो बचा रहा हूँ मैं। अरे किरण वहाँ है। अरे किरण यहाँ है। अरे मैं किरण नहीं, मैं नैना हूँ। नैना? वो हाँ करण, किरण वो है मेरा भाई। मैं जानता हूँ किरण तुम्हारा भाई। किरण तुम्हारा भाई? हाँ। इसका मतलब चलो जल्दी। वो सारे मैसेजेस मैंने ही भेजे थे और वो किसेस भी। तुझे पता नहीं था ना कि किरण लड़का है? तो फिर वो सब तूने किसके साथ किया? क्या? वन नाइट स्टैंड? जो बता। तेरी वजह से आज मैंने एक लड़के को किडनैप किया। अगर मेरी वाली को पता चल गया तो? अब ये मेरी वाली कौन है? मेरी होने वाली भाभी जी। वैसे तूने बाकी सब बराबर चेक तो कर लिया ना? मैं तेरी तरह ब्लाइंड में नहीं खेलता। अबे आंख और दिल खोल कर किसी का हाथ मांगा तो हाथ गाल पे मिला। और ये सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम कॉलेज में अपने वन नाइट स्टैंड के झूठे किस्से ना फैलाते ना तो ये हाथ तुम्हारी गाल पे नहीं पड़ता। क्या मैं तुमसे बात कहूँ? कहो। तुम मेरा टाइम पास बनोगी। What? लाइफ टाइम के लिए। Sex, I mean, yes. तो बोल तुझे कहाँ छोड़ दूँ? नसीब पे छोड़ दे यार। नमस्कार। हमें अभी पुलिस मुख्यालय से ये जानकारी है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको बेदर्दी से मारने वाले सीरियल किलर की पहचान हो गई है। यही है वो खूनी दरिंदा। इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आपके पास हो तो पुलिस मुख्यालय को संपर्क करना ना भूलें। हेलो, कौन बोल रहा है? उमा शंकर त्रिपाठी। पत्थर वाला ले ले, 2 रुपया बड़ा वाला पत्थर दे। मेरा एम देखना। हाँ कमिश्नर साहब देखिए, इसे सिर्फ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करने का शौक नहीं है, ये उनके कपड़े भी इकट्ठे करता है। जरूर इसके पीछे भी एक लॉजिक है हाँ? क्योंकि ये बैग मेरी है। ओह माय सॉरी। भाई साहब क्या हो रहा है? शूटिंग चल रही है? पता नहीं यार, सब ऊपर देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बैंक हॉलीडे भाई साहब, आप भी देखिए। अरे भाई साहब, वो 5 खून करने वाला दरिंदा यही रहता है क्या? हाँ जरूर, मकान मालिक होगा। ₹2 मुझे भी एक देना। मुझे भी दे। लो जल्दी लो, छुट्टा देना भाई। दे रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। यही खूनी है। कौन? यही खूनी है। मैंने क्या किया यार? मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। संभालो इसे। क्या करो? पकड़ो इसे। यही खूनी है। बैटरी। आइए बेटा, रिक्शा। लगी आज सावन की फिर निकल पड़ी है। हो सकता है? ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। राहुल, राहुल, बैठ गाड़ी में। जल्दी, पुलिस पकड़ेगी सारे। क्या हुआ क्या? सारा पेट्रोल खलास करवा दिया। मुझे कुछ पता हो तो बताओ ना, मैं तो खुद परेशान हूँ। उर्मिला, इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म में। तू इसे पहचानता है क्या? अरे यही तो तेरी होने वाली भाभी है। क्या? क्या? मैडम। हाँ। चल बाहर निकल। हाँ। उर्मिला ये इंस्पेक्टर मार तोड़ कर बोलने का। ये क्या? जीप पे बैठ, रास्ते बोलो को। चल चल चल, जाके पीछे बैठ जा। अरे थमा थमा, अरे थमा थमा, अरे मैडम बाहर आइए मैडम, मेरे को तो लेके जाओ। अरे थाम रे थाम, सर थमा थमा, सर थमा थमा। व्हाट? उर्मिला उसे ले गई? गुड, वेरी गुड। और तुम हमेशा की तरह हाथ हिलाते हो, वापस आ जाओ। मिस्टर कमिश्नर, हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं सर? होल्ड ऑन। लॉजिक के बारे में सोचिए सर। वो उसके प्रेम में गिरफ्तार है, वो उसको पुलिस स्टेशन की जगह रेलवे स्टेशन पर ले जाएगी और वहाँ से वो दोनों छू मेरे सारे किए किराए पर ट्रेन फिर जाएगी सर। हाँ जी, उर्मिला का पीछा करो, भागो। ओके सर, इसे संभालो, लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो ऐसे ऐसे पकड़ो। लेकिन उर्मिला, मैंने ना कोई रेप किया है ना मैंने कोई। जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मगर कुछ किया ही नहीं तो क्यों भागना पड़ेगा? क्योंकि सबको तुम पे शक है। एक बार असली कातिल का पता तो चल जाए। मिस्टर कमिश्नर, either you trust Screwwala or you don't trust Screwwala. ये उमा शंकर जो त्रिपाठी है, ये उसी का आदमी है और हमको बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डॉक्टर Screwwala एक बार सर लेने में। जयराम जी की, जयराम जी की। उमा शंकर, फोन किया था ना साहब? फोन फोन। तुम लोग रिटायर हो लो, भूल जाते हो यार। आपने बताया था कि आप खूनी के बारे में जानते हैं। हाँ जानता हूँ। क्या जानते हैं? ऐसा नहीं बताऊंगा। तो फिर कैसे बताएंगे? देखिए, ये बहुत ही हॉट न्यूज है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे मौके पर सारे हॉट मीडिया वाले, सारे हॉट चैनल वाले, सारे हॉट रेडियो चैनल वाले, सारे हॉट प्रेस वाले, सभी लोग इकट्ठे होने चाहिए। सबको बुला लिया है। वो तो सब आई चुके। तो आप जरा बताएंगे कि आप खूनी के बारे में क्या जानते हैं? एक छोटे से गांव में रहा करता था वो। एक दिन उसके बाप ने बोला, बेटा आम आदमी का नाम सिर्फ दो ही बार आ सकता है, एक तो बाप के पैसे से शादी के कार्ड पे और दूसरी बार मुफ्त में मरने के बाद शोक समाचार। बस तब से उसने ये ठान लिया वो अपना नाम अपनी दम पे हर जगह छपाएगा। अगर तुम्हें यकीन है कि मैं निर्दोष हूँ तो गाड़ी रोक दो। और मेरा, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी किस्मत हो, मेरा नसीब हो। और अब मुझे मेरा नसीब आजमाने दो। और मैं कुछ नहीं जानता। हम उस खूनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो खूनी हम खुद हैं। उमा शंकर त्रिपाठी हम खुद। दिखा रहा है। हमको मालूम था कि तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे कि इसमें हमारा हाथ है, इसलिए हाथ लेकर आया। ये देखिए, उंगली कहाँ चली गई? अरे सर, उंगली बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, ये रही उंगली। अरे सर, सर, अरे कहाँ चले गए? राहुल सर, वो मेरे आंखों के सामने, मैं उसे पकड़ूंगा। क्या ये सब पलट क्यों गए? ज्योतिषी ने सच कहा था, तुम आई और मेरी किस्मत पलट गई। मैं जानता था कि वो सारी हत्याएं सिर्फ नाम कमाने के लिए कर रहा है और वही मैंने उसे छीन लिया। मैंने उसका किया किसी और के नाम पे चढ़ा दिया। किसी और इंसान को खूनी बताकर मैंने उस इंसान के बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में छपवा दिए जो यह हत्यारा बर्दाश्त नहीं कर सका। और जैसा कि मैंने कमिश्नर साहब को बताया, आज वो खूनी खुद सामने से चलकर यहां पुलिस में अपने आप को सरेंडर करने आया है। राइट कमिश्नर? राइट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस ऑपरेशन में आपके साथ और कौन कौन था? मैडम, डॉक्टर स्क्रूवाला को कोई भी केस सॉल्व करने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। गुड क्वेश्चन। और ये है वो बहादुर जांबाज ऑफिसर इंस्पेक्टर उर्मिला मातोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, वो लड़का कहाँ है जिसकी तस्वीरें आपने सारे शहर में छपवा दी है? वो समाज सेवक था, सेवा की और समाज में चला गया। नहीं सर, वो तो यही है हमारे पास, इधर। कमिश्नर साहब, वक्त हो गया है ना, प्लीज। हाँ, तो अब आपके सामने पेश है वो भयानक सीरियल किलर उमा शंकर त्रिपाठी। भैया जरा की, अरे फेमस हो गया रे बाबा, फेमस हो गया। एक्सक्यूज मी, ये उमा शंकर के लिए बैंड क्यों मंगवाया है? मंगवाना पड़ता है डॉक्टर। अरे क्यों मंगवाना पड़ता है? कल उठकर मिनिस्टर बन गया तो। सर ये बताइए, आखिर मोटिव क्या था हत्या का? अरे मोटिव कुछ नहीं, हम जितनों का काम तमाम किया सब पतली थी बिल्कुल। नहीं, मकसद क्या था? अच्छा, मकसद था पॉलिटिक्स में करियर बनाना। पॉलिटिक्स में करियर? देखो भैया, बात साफ है कि चपरासी बनने के लिए एमकॉम चाहिए और पॉलिटिक्स के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है। लेकिन कमिश्नर साहब तो कह रहे थे कि हत्या का मोटिव सेक्स है। अरे कमिश्नर साहब की तो बुद्धि खराब है, वो जो कुछ भी बोल देंगे वो तुम सुन लोगी। ये तो हम कहीं भी खरीद सकते हैं। हाँ, हमने भी तब उनको यही कहा था। आपने भी उनको यही कहा था? आप बिल्कुल मेरे गांव वाली लगते हैं। भाई खूब सवाल पूछो, मजा आ रहा है। साले मजा मारा घासीराम, लहंगा धो में हुलासीराम। साले मेहनत हम करें, मजा तू जो। अरे तू साले रोक, ये क्रिमिनल नहीं है। मैं क्रिमिनल हूँ साले, एक क्राइम और करूँगा साले, तुझे गोली जरूर मारूंगा। मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन देखिए सारी दुनिया आपसे बात करना चाहती है। मैंने इसे कभी नहीं देखा, अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप मेरे पास क्यों आए? मेले तो तूत नहीं मालूम, मेले तो इधर क्यों लाए? मेला तो खाली लौंडी का धंधा है। खाली लौंडी का धंधा है? अरे तो पहले क्यों नहीं मिले? हमारा तो बहुत फायदा हो जाता। कोई बात नहीं, तेल में तो अपन थात पे लेंगे ना, उधर भी मैं लौंडी का धंधा तलूंगा ना, बहुत फायदा है। अरे जी मेरी जान। अच्छा, इस काम को करने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जान। हाँ, वो क्या है ना, मुझे मालूम था कि मेरी जान जोखिम में, लेकिन मैंने तो ये सब सिर्फ अपने प्यार के लिए किया। सर? हाँ, मैं तो हाँ। घर चले? लेकिन मैं घर प्रवेश पीछे के दरवाजे से नहीं करूंगी। अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे आगे ही बढ़ना है। लेकिन तुम्हें मेरे घर आना होगा, बैंड बाजे के साथ आओगे? हाँ। कब? भाभी जी हुल मत दो यार, वरना बच्चों को कहानी नहीं सुनाऊंगा। अरे दोस्त, तुझे तो मिल गया तेरी किस्मत का तिल, मालूम है। और तुझे भी तो मिल गई तेरी किस्मत की रेखा। अच्छा भाई लोग, लाइफ ने अपना बहुत खींच लिया, तुम भी अपना फोटो खींच लो। चल बे, अपना ट्यून बजा। क्या तमाशे हमने किए, मुश्किल नहीं कुछ अपने लिए। क्या क्या तमाशे हमने किए, मुश्किल नहीं कुछ अपने लिए। मंजिलें चूमती जिनको ऐसे अपने कदम, छू के महसूस कर लो ना सर्दी में भी हम गरम। क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम। क्या कूल है हम, क्या कूल कूल है हम। माना जरा फेक है, लाखों में यादों हम एक हैं। माना जरा हम दिल फेक है, लाखों में यारों पर एक है। रोमियो बन के आए हैं जूलियट की कसम, लव है अपनी कमजोरी सच कह रहे हैं सनम। We are so